शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। To bring the animals forward when I say so. You two, I want you over there. You're not needed. We've got 1 hour before the show. Stop right there. Hina Kapoor, designated member of the law organization, Loving Animals Worldwide. यहाँ पे ये लोग performance निकालने के लिए बेचारे animals को training कम और torture ज्यादा करते हैं. Boys, सारे animals को ले लो. You can't do this. I'll show you. And who are you? Bobby Kapoor, designated member of the Law Department, Loving Animals Worldwide. And how many are there worldwide? And this is the head of our department. ये देखिए सर, किस तरह मेरी वजह से ये पूरी रेड कंडक्ट हुई है. ये स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया है सर. एक बिछोर कर भी कह सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन. Look, one second. The credit of this raid goes to both of you. और फिर ये रेड तो कुछ भी नहीं है बॉबी. तुमने घर में पेट रखा है तो कौन सा? A python? Python इसके घर में नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा? इसके घर में तो इसकी पूरी फैमिली सांपों से भरी हुई है. ए, ज्यादा बात मत कर. तूने तो ऑल द एनिमल्स एक मगरमच्छ पाला है घर में. क्योंकि बिना अगर मगर किए तेरी फैमिली मच मच करती रहती है. Shut up, Bobby. You shut up, Hina. Just mind your business, okay? You mind your language. You cow. Hey, you fox. Get out of my way. You सर, ये लड़की रही है और है कौन ये? ये दोनों कजिन सिस्टर्स हैं. अगर दोनों बहनें ऐसी हैं तो इनकी माए कैसी होगी? I am Mrs. Kapoor. मेरी 4 बजे की अपॉइंटमेंट है. Excuse me. I'm Mrs. Kapoor और मेरी 4 बजे की अपॉइंटमेंट है. Actually, दोनों मिसेस कपूर है ना, इसलिए मिस्टेक हो गई. ओ देख भाई, ये तेरी प्रॉब्लम है. Now, if you will excuse me, my turn. My turn वाली? टन भर का बोटॉक्स तो भर लिया, क्या फायदा? और तू कौन सी मिसिंग लैंड लगती है? बुढ़ी घोड़ी नो लगाम. मैम प्लीज ऐसे मत लड़िए, वरना आपका फेसलिफ्ट शिफ्ट हो जाएगा. अरे इसका शिफ्ट होगा, मेरा तो फर्स्ट क्लास हो गया. ये दोनों है कौन? सिस्टर्स इन लॉ. ओह गॉड, अगर ये दोनों ऐसे हैं, इनके पति कैसे होंगे? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन. आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि हमारे यूनाइटेड बेबी प्रोडक्ट्स की डिमांड यूके में ही नहीं सारी दुनिया में बढ़ रही है. सिक्सेस. ओह शट अप टबू. मेरे बगैर आप लोग ने मीटिंग शुरू कैसे कर दी? और वो भी कंपनी के इस को चेयरमैन के साथ. जेंटलमैन, जब से इसने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है, हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स के फिगर्स बिल्कुल गिरे हुए हैं. बिल्कुल इसकी तरह. Hey, चिंटू, डोंट यू डेयर. आई विल डबू, आई विल.
क्योंकि तुम सिर्फ कपूर एंड सन हो और मैं कपूर एंड रियल सन हूं, रियल जायज। तू हद पार कर रहा है चिंटू। हद तो मेरे बाप ने पार की थी, ब्रदर पैदा कर दिया, that too from a different mother. लेकिन मेरा जन्म पहले हुआ था। There was nothing official about it. मेरी direct delivery हुई थी। मेरी पहली delivery हुई थी। तू अपने आप को इतना बड़ा मत समझ। जब से तू पैदा हुआ है, तब से तू चिट्टू है, चिट्टू। मगर इज्जत में मैं तुझसे बड़ा हूँ। तू नाजायज होते भी मेरे बाप ने घर, बिजनेस, हर चीज हम दोनों के नाम कर दी थी, इसलिए हर चीज हम बांट के जी रहे हैं। hey, एक बात याद रखना, नाजायज आर बॉर्न आउट ऑफ लव, रियल सन्स आउट ऑफ ड्यूटी। ओ जवानी दीवानी के भूल, उसी लव के पल का फायदा उठाकर तूने और तेरी फैमिली ने मेरा हक जीना है, वरना तू, तेरी बीवी, तेरी बेटी, सबके औकात तो भिखारियों की तरह है। hey, मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पे मत लाना। अब मैं तुझे बताऊंगा कि मेरी बेटी की औकात क्या है, जब मैं उसकी शादी यूके के सबसे बड़े खानदान में करवाऊंगा। यूके? उत्तराखंड? अब तू देख, मैं अपनी बेटी की कहां शादी करवाता हूँ, और तुझे तो तेरी बेटी के लिए कोई भिखारी चोर मिलेगा, चोर। अरे मुझे अपनी बेटी के लिए एक कैरेक्टरलेस दामाद मिलेगा। यू वेट एंड वॉच टबू, यू वॉच योर वेट चिंटू। दोनों भाई का लड़ाई पास्ता करेगा कमाई, आफ्टर ऑल लंदन का सबसे फेमस मैरिज ब्यूरो चलाता है आखिरी पास्ता कपूर, मम्मा मिया, आई एम कमिंग। आजकल तू कहाँ रहता पास्ता? जब से तूने ये मैरिज ब्यूरो खोला ना, तू बहुत बिजी हो गया। यम्मी, व्हाट टू डू कपूर साहब, आजकल हर जवान बेटी के बाप के मुंह पर एक ही नाम, आखिरी पास्ता। एंगेजमेंट के लिए आखिरी पास्ता, शादी के लिए आखिरी पास्ता, और सुहागरात के लिए भी आखिरी पास्ता। आई एम जोकिंग, मम्मा मिया। तुम अकेला खाएगा नाश्ता, भूख करेगा पास्ता। देखो पास्ता, तू मुझे डबल पैसे ले ले, लेकिन मुझे मेरी बेटी हेना के लिए लंदन का सबसे अमीर रईस और टॉप लड़का चाहिए। कमीटो। हेलो। हेलो पास्ता, यू इडियट, जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। ओकी डोकी, मैं कल आएगा। कल नहीं, आज, अभी, इसी वक्त, ऑन द स्पॉट कभी आ। एक्सक्यूज मी मिस्टर कपूर, आपका बाथरूम किधर है? थोड़ा अर्जेंट है। अर्जेंट? वो कल रात को रेस्टोरेंट में मैं आखिरी पास्ता खाया, अब वो आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है। तुम मेरे बेडरूम में मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? आपके साथ मुझे मेरा जन्म जन्मांतर का प्यास बुझाना है। Hey, stop it. I'm joking. That's better. Come on. देख पास्ता, भले डबल पैसे ले ले, बट मुझे मेरी बेटी के लिए एक टॉप नॉच, टॉप चिन लड़का चाहिए। ओके डोकी सर, मेरी जुबान लाइक निकला तीर फ्रॉम अ कमान। और अगर तू उस चपड़गंजू चिंटू के पास गया तो मैं वही तीर तेरी कमान में घुसेड़ दूंगा, समझा? हेलो पास्ता, तू क्या पॉटी में डूब गया है इतनी देर? कपूर साहब, आपके घर में सुलभ शौचालय है? व्हाट? बाथरूम। You bloody fool, तुम तो बाथरूम गया था तो फिर यह किचन में क्या कर रहा है? संडास में टॉयलेट पेपर खत्म हो गया, इसलिए मैं पानी लेने आया। टॉयलेट पेपर पर मैं रिच और फेमस लड़के लोग का नाम लिख रहा था तुम्हारा बेटी हीना के लिए। You bloody fool, अगर तुम्हारा ये संडास का पेपर जिस पे तुम रिच एंड फेमस का नाम लिखा है वो टब्बू के हाथ लग गया तो मैं तुम्हें धो डालूंगा, धो डालूंगा। चिंटू जी, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो आप ही का आदमी हूँ। तुम्हारा मुंह से बदबू आता है। मम्मा मिया, मिस्टर एंड मिसेस राजेंद्र बबौनी, आपको चिंटू कपूर का फैमिली बहुत अच्छा लगेगा। पास्ता जी प्लीज जरा धीरे बोलिए ना,
इनको हार्ट कंडीशन है। जोर से बोलने से इनको जोर का झटका क्यों लगता है? हमारे ताले की फैक्ट्री में एक बार इनके सामने हजारों टन का स्टील गिर गया और इनके कान के पर्दे फट गए। कैथी, हम जय के लिए लड़की देखने जा रहे हैं और देखो आज वही हमारे साथ नहीं है। काश अगर वो भी होता तो उसे फोन मिला। फिर सर, पारुल मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरी असिस्टेंट ही नहीं मेरी अच्छी दोस्त भी हो। प्लीज कॉल मी जय। ओके जय, दैट्स बेटर। एक्चुअली हाँ बोलो। मुझे कुछ कहना है। देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यस, वन सेक। हे माय डैड। जय बेटा, मुझे पता है आज तक तुमने मेरी किसी बात को नहीं टाला। दरअसल बेटा आज तुमको इसलिए फोन किया था कि हम तुम्हारे लिए एक लड़की देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा परिवार है बेटा, तुम मेरी बात को टालोगे तो नहीं? डोंट वरी डैड, जैसा आप चाहते वैसे ही होगा। तुम कुछ कहने वाले थे ना? मेरे डैड ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। एंड यू डोंट वांट टू हर्ट हिम। एनीवेज, तुम भी मुझसे कुछ कहने वाली थी ना? हाँ, मुझे कुछ कहना था। इट वाज अ प्लेजर असिस्टिंग यू जय। गुड बाय। वाओ, वेलकम मिस्टर एंड मिसेस राजेंद्र बाबानी। प्लीज कैरी ऑन विथ योर नाश्ता पानी। अगर आप बुरा ना माने तो जरा आहिस्ता से बात करेंगे? आवाज थोड़ी ऊंची होती है तो इनके हार्ट में प्रॉब्लम होती है। Oh, I'm so sorry. I did not know, sorry. अच्छा मैं पूछ रहा था कि आपका बेटा नहीं आया? आज उसकी लाइफ के बारे में तो डिस्कस करना है। कैसे आएगा चिंटू जी, वो तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में लड़की के मर्डर के लिए सजा काट रहा है। Are you serious? I'm joking. वो तो इस वक्त हवाई में किसी कैलेंडर के लिए शूटिंग कर रहा है। मम्मा मिया, क्या हीरा है वो लड़का। He's so tall, he's so handsome. उसको देख के ऐसे नहीं लगता कि वो इनका बेटा है। You're a joking. I'm serious. इसकी शक्ल पे मत जाओ, ये तो अफ्रीकन लगता है, वो तो एकदम ऑपोजिट है। इससे बहुत ज्यादा गौरा है। He's so beautiful. उसको देख के ऐसा लगता है कि वो इसका असली बेटा नहीं है, सौतेला है। सौतेला? 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 Excuse me. ये आप ही के बेटे के बारे में बात कर रहा है? जी हाँ, क्यों क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? समोसा नीचे रख, रख। आप ओवररिएक्ट कर रहे हैं। तू लड्डू नीचे रख। आई एम श्योर, 100% श्योर कि जय किसी बाप की नहीं, बाप की औलाद है। सोता रहे जय। कुमसा चिंटू जी, आप तू जलेबी नीचे रख। जय अपने बाप की औलाद है। तो मैंने कब कहा कि नहीं है? लेकिन तू उसका बाप नहीं है। तेरी बीवी ने लव थाई नेबर का कॉन्सेप्ट बहुत सीरियसली ले लिया था। प्लीज कपूर साहब। ओ चुप बैठ नागिन। इतने साल स्टील के ताले बनाने का फायदा क्या हुआ, जबकि तेरे घर की चाबी तो तेरे गोरे चिट्टे पड़ोसी के पास थी। कपूर साहब जरा शर्म कीजिए। ओ जन्म जली चुप बैठ। तेरी किस्मत काली है, तेरा मियां काला है, कुदरत ने तेरे साथ ब्लैक कॉमेडी की है। ब्लैक कॉमेडी? ओए डैन की पार्ट। ओ नपुंसक न्यूट्रॉन, अपने बेटे का डीएनए टेस्ट करवा। मम्मी या पहले इसका ईसीजी टेस्ट करवाते हैं। अरे कौन सौतेला है और कौन असल है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? हे आउट, आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। एंड पास्ट आई रिमेंबर, ऐसे नाजायज रिश्ते मत लाना। अगर लाना है तो जायज मिलीनियर्स के रिश्ते लाओ। हिंदुजा, मित्तल, जेडी, उनके बेटों के रिश्ते लेके आओ, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। आज क्या बोला तू? कपूर ना, पर तूने उसे रोका तक नहीं। क्या करूं, वो अंकल आंटी का नॉन स्टॉप इंसल्ट करता गया। इतना बुरा बुरा बोला कि अंकल को हार्ट अटैक हो गया। बोला हिंदुजा मित्तल जेडी का बेटा का रिश्ता लेके आओ। क्या बोला? जेडी का बेटा? उसे जेडी का बेटा चाहिए ना? मैं दूंगा उसे जेडी का बेटा, क्योंकि जेडी का बेटा जॉली मेरे बचपन का दोस्त है। अब मेरे बाप के इंसल्ट का बदला जेडी का बेटा लेगा।
अगेन। देखो इस बार मैं चलते चलते रुका नहीं। हाँ लेकिन तुम रुकते रुकते चल रहे हो। तुम अपने डैड से इतने डरते क्यों हो? मैं अपने डैड से कहाँ डरता हूँ? यू नो पिछली बार तो मैं चौपर से उतरा भी नहीं था और इस बार तुमने देखा मैं चौपर से 10 कदम आगे आ चुका हूँ। लेट्स फेस इट जॉली, तुम्हें गट्स ही नहीं है। मुझे तुम यहाँ पे 6th बार लाए हो, 6th टाइम, लेकिन आज तक तुमने मुझे अपने डैड से नहीं मिलवाया। 7th टाइम मैम। शट अप माइक। अब से आई एम गोना लीड माय लाइफ द वे आई वांट टू। मॉडल हूँ, बिकनी शूट करूंगी, हॉट वीडियोस करूंगी और इन सब से रोकने का हक तुम्हें मुझे तभी मिलेगा जब तुम मुझे अपने डैड से मिलवाओगे और हमारी बात करोगे और उनसे ये कहोगे कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। बाय। क्या भाऊ ये क्या चित्र है? तुम तो खूपट विचित्र है। कितना बड़ा आदमी हो गया जेडी साहेब, फिर भी वो सादगी, वो धोती, वो कुर्ता, अन रोज सुबह सुबह ये बादल को ऐसा साफ करने का, उसको सवारने का, ये क्या गोची है? ये कैसा करता है भाऊ तुम? कार्य पाटिल, तुला मैं इतना का है। जेडी कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, आसमान छू ले, लेकिन पैर जमीन पर ही रहेंगे। शाबाश बाबा, आज मी बोलनार, अरे तुम्हें एकनार, आज मैं बोलूंगा और आप सुनोगे। बाबा क्या आज आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा? पाया पर तो हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तू आजकल रहता किधर है? हाँ कभी कभी अपने बाबा के साथ भी रहा कर। वो मेरी एक दोस्त है। दोस्ती तक ठीक है लेकिन रिश्ता नहीं जोड़ना। तुझे नहीं मालूम बचपन में मैं अपने पुराने दोस्त बटूक पटेल की बेटी के साथ तेरी शादी का रिश्ता तय कर चुका हूं और मैंने अपनी जबान दी है। जबान सला वारे ज्वाली बाबा, महाराष्ट्र मुलगान गुजराती पोरी लेजीमन डांडियाची जोडी, ओर ढगाला लागलाय कळ, पाणी थेंब थेंब गळा, झिंपाक झिपाक झिंपाक झिपाक। हॅलो व्हाट? देखा ना जॉली, अब जैसे उस कपूर ने मेरे बाप को हार्ट अटैक दिया है ना, वैसे तू जॉली, तू जाके उस कपूर को हार्ट अटैक देगा। मैं? हाँ तू जॉली, उस कपूर को जेडी का बेटा चाहिए ना, तू ही तो है जेडी का बेटा। देख तू उसके घर में जाके उसकी बेटी से शादी फिक्स कर ले और शादी वाले दिन शादी तोड़ दे। 100% साले को हार्ट अटैक आएगा। अगर मेरे बाप जेडी को पता चल गया कि मैं यहाँ नकली शादी, नहीं नहीं यार जय, मैं अपने बाप को अपनी असली गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बता पाया यार। जॉली दिस इज माय फादर एंड दैट इज माय फादर। तू मेरे बाप को नहीं जानता है, जब मेरे बाप की हटती है ना मेरी बहुत फटती है यार। एक मिनट, अगर मैं नहीं कर सकता कोई और तो कर सकता है ना? क्या मतलब? मतलब कपूर को जेडी का बेटा चाहिए, करेक्ट? हाँ। तू जानता है कि मैं जेडी का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जेडी का बेटा हूँ, लेकिन कपूर कहाँ जानता है कि जेडी का बेटा कौन है? मतलब? मतलब ये है कि कपूर के घर हम किसी और को जेडी का बेटा बनाकर भेज देंगे। बिंगो! और अपना काम हो जाएगा। यो! मतलब नकली जॉली? एग्जैक्टली। यार तेरा प्लान तो सही है लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत बड़े कमीने की जरूरत है। कमीना? इजय तू जाते अपने कॉलेज में? वो कौन यार? वो, अरे ये तो पता नहीं लेकिन उसका तो क्या, अरे वो जो बोलता था। एक मिनट, तू उसकी बात तो नहीं कर रहा ना? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यार वो तो बहुत बड़ा कमीना है। हाँ। कितना बड़ा कमीना है? अरे सिर्फ कमीना ही नहीं, एक नंबर का सड़क छाप चोर है साला, और ये काम वही कर सकता है। परफेक्टो। लेकिन ये कमीने चोर का नाम क्या है? मैक्स। ठीक है, इटालियन का तो पता नहीं बट आई विल डू द जॉब।
थैंक्स मैक्स। अच्छा बता तू रुपए कितने लेगा? रुपए? हाँ। मैं तुम लोगों से रुपए लूंगा? स्वीट। तुम लोग से रुपए नहीं, पाउंड्स लूंगा, पाउंड्स, 50,000 pounds, रोकड़ा कैश डमरीस। ठीक है मैक्स, तुझे 50,000 pounds दिए, लेकिन मैं भी तेरे साथ रहूंगा। मुझे उस कपूर को तड़पते हुए देखना है, शादी करवाने का उसका एक्शन और शादी टूटने पे उसका रिएक्शन देखना है। तो फिर जब तू मैक्स के साथ, जेडी के बेटे जॉली के साथ उसका ड्राइवर बन के घर पे जा। माइंड बॉगलिंग, दोनों स्क्रू ड्राइवर का काम करेगा, वो गाड़ी ड्राइव करेगा और ये कपूर के हैप्पीनेस को स्क्रू करेगा। ठीक है, कल से जेडी का बेटा जॉली तू नहीं, मैं हूं। गुड बाय। एक सेकेंड, इस मीटिंग के लिए तुम लोगों ने मुझे सोना में क्यों बुलाया? क्या है ना चढ़िया, हम लोग तेरा रेपुटेशन जानते हैं, और सोना ऐसी एक ही जगह है जहां पर तू हमारा कुछ नहीं चुरा सकता। रियली? चढ़िया, वल्ला कोची, ये सोना से क्या चुरा सकती? मम्मा मिया, कमीना मेरा तोवा लेके गया। अभी मेरे को घर नोंगा पोंगा जाना पड़ेगा, मेरा गली का कुत्ता मेरे को काटने को आएगा। मम्मा मिया, मजा आ गया। भगवान भी यही चाहता है कि ये रियल का साइन यहां नहीं, रियल कपूर क्या लगे। दिस इज वेयर यू बिलोंग। ओ गॉड, सॉरी सर, पता नहीं क्या हो गया गाड़ी को। ये शुरू हो जा। सर मैं चेक करता हूँ सर। एक ड्राइवर की लापरवाही से जेडी का बेटा बीच रास्ते खड़ा रहेगा। सर मैं अभी चेक करता हूँ। जेडी का बेटा? यस यस, जेडी का बेटा। हवा चेक कर। यस सर, यस सर। एक्सक्यूज मी, आई एम मिस्टर कपूर। एज इफ आई केयर। बेटे, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं तुम्हें पहचानता हूँ। जेडी के बेटे हो ना तुम? ओह माय गॉड, आपको कैसे पता चला? आई हैव गॉट अ वेरी गुड आइडिया। जब तक जेडी के बेटे की गाड़ी ठीक नहीं हो जाती, जेडी का बेटा मेरे घर में आराम कर सकता है। ये जेडी का बेटा, जेडी का बेटा क्या लगा रखा है? मेरा नाम जॉली है, आप शायद जानते नहीं हो, मैं हर महीने अपने बाप को चेक्स भेजता हूँ। Really? हाँ, और वो साइन करके मुझे वापस भेज देते। Sense of humor. चलिए, आपका घर कहाँ है? यही तो मेरा घर है। ये घर? सर इससे बड़ी तो हमारी गाड़ी है। अच्छा जी, ठीक ठीक, ये यहाँ से ऐसा लगता है, अंदर से बहुत बड़ा है। आइए 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 ना, आइए। कपूर साहब, कपूर साहब, आपकी घड़ी नीचे गिर गई थी। चलो घूर घूर के देख रहे हैं, कुछ तो फायदा हुआ। तुम भी आना, चाय बिस्कुट खिला दूंगा। आइए 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 आइए। मीट माय वाइफ डॉली। डॉली, मल्टी बिलियनर जेडी सेठ के इकलौते बेटे जॉली। जॉली डॉली, डॉली जॉली, लेट्स प्ले होली। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन इस छोपड़े में रहने से तो अच्छा है कि मैं एयरपोर्ट के लिए एक टैक्सी का बंदोबस्त कर देता हूँ। अरे दो कौड़े के सर्वेंट, टाइम देख, वी मिस्ड आवर फ्लाइट। अब 24 घंटे के लिए देयर आर नो फ्लाइट्स। मजा आ गया, सुपर्ब। हाय डैड। हे, दिस इज माय डॉटर बॉबी, और देखो कौन आया हमारे घर, जेडी साहब, द मल्टीमिलियनेयर सन। चले। आपका ये जैकेट? For this, this is pure leather. I love leather. Leather? जैसे ये belt, सफेद का तो पता नहीं, but this is made of pure snake skin. Snake skin. और ये जूते, मगरमच्छ के जूते हैं. Crocodile. सर वो leopard के बारे में बताइए. Of course. और मेरी गाड़ी की जो seat है, pure leopard skin. Leopard. उसी leopard का जिसे सर ने अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था, धड़ाम. Shut up! खूनी हो तुम, खूनी! तुम रिच ब्रैट्स की डिमांड्स पर एनिमल स्किन की सप्लाई होती है, उनकी मौत होती है, एंड यू शोइंग ऑफ। मेरा बस चले तो हंटर से तुम जैसों को मार मार के तुम लोगों की चमड़ी निकाल दूं। यू शुड बी हैंग्ड टू डेथ। बेटा बेटा, बुरा नहीं मानना, मेरी बेटी को जानवरों से बहुत प्यार है। आपकी बेटी का तो पता नहीं,
लेकिन मुझे अपनी माँ की याद आ गई। क्या? वो भी ऐसे तीखी तीखी गालियां देती थी जो मुझे बहुत मीठी मीठी लगती थी। बेटे इन्हीं यादों में लगे रहो, मेरा काम हो जाएगा। क्या? मेरा मतलब let's do something else. Come on, come on. क्या आप खाना खाएंगे? अबे खाना तो कुत्ते भी खाते हैं। क्या कुत्ते शराब पीते? Come on, come on. Let's go to my bar. बड़ा मजा आएगा। तुम कुछ चखना ला। जाओ। चलिए चलिए। Come come please. मजा तो तब आएगा जब तुझे हार्ट अटैक आएगा। सर। जॉली बेटे। हाँ? रात बहुत हो गई है। तुम आज यहीं सो जाओ। इतनी शराब पी के तुम गाड़ी कैसे चलाओगे? हेलो ड्राइवर, मैं हूँ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। बदतमीज, मालिक के होते हुए एक ड्राइवर गाड़ी चलाएगा? ये ले जॉली। शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो ऐसा रिश्ता चाहिए जो बहुत पैसा लाए। मुझे भी। Sense of humor. Son in law. क्या कहा आपने? मैंने कहा son ये लो। Son ये लो का पता नहीं, लेकिन son in law सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर से कहो। Son in law. फिर से। Son in law. अब तुम कहो। Father in law. Father in law. Father in law. Father in law. Yeah! Son in law. Hey, Tabu! Huh? Hey, you bloody Tabu! अरे बाहर निकला यो ब्लडी टबू। इस सुबह सुबह कौन भौंक रहा है? हे टबू! हे हमारे पड़ोस का एक एल्सेशन कुत्ता। हे यो गवर्नमेंट टबू! दिखा दी ना अपनी औकात, दे दिया ना अपने गंदे खून का सर्टिफिकेट। भोकता क्यों है बे? हाँ, माइंड योर लैंग्वेज, इज्जत से नाम ले। ये गाली क्या दे रहा है? डब्बू डब्बू डब्बू। हाँ डब्बू मेरा नाम है। ओ सॉरी सर। तू कौन है बे? कहाँ से आया? तू क्या एक जानता है कौन है? तू जानता है कि ये कौन है? तू जानता है कि ये कौन है? ये मेरा शॉर्ट शॉट हॉट शॉट फ्यूचर सन इन लॉ है। और अगर मेरे फादर इन लॉ की कोई क्लास लेना तो मैं उसकी ले डालूंगा। ले डालू के बच्चे साले चोर। ये डब्बू है ना, डब्बू साला चोर है। इसने मेरे नेम प्लेट से रियल चुरा कर अपने नेम प्लेट पे लगा दिया। मैं चिंटू कपूर हूँ, कपूर एंड रियल सन। लोग गलत घर में कैसे घुस सकते हो यार? सॉरी यार मैं, और ऊपर से वो चढ़िया मैक्स बोलता है कि डब्बू का घर ही उसके लिए सही है। हाँ वैसे लड़की सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है ना सारे। देख यार वैसे भी मैक्स हमारे किसी काम का नहीं है, वो चिंटू ने ऑलरेडी उसे डब्बू के घर में देख लिया। शिट, तो अब क्या करेंगे? सिंपली तो अभी तो हमको मैक्स से भी बड़ा कमीना ढूंढना पड़ेगा। मैक्स से बड़ा कमीना? मैक्स से बड़ा कमीना? एजे यार अपने कॉलेज में वो भी तो था। कौन यार वो? वो हाँ वो चौलिया। मुझे नहीं बुला सकते, he's too dangerous यार। I know, तू अपने बाप का बदला लेना चाहता ना? हाँ यार लेकिन वो उससे बड़ा कमीना पूरे यूके में नहीं मिलेगा। और ये कमीने का नाम क्या है? सनी। Excuse me, Sunny, he's inside. Okay. Be careful guys, the axle's broken, it's shaking, huh? क्यों थक रहे हो? I got your virgin. Huh? I mean your virgin. बैठ जाओ slowly. 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 Thank you. Slowly. Langurs. Have my angurs. Yummy, yummy. Keep it. One by one. Slowly. Mr. Sony is a gem of a person. हाँ लेकिन कभी कभी कैरेक्टर खराब हो जाता है। अब थोड़ा माल शाल की बातें हो जाए। अरे जब
इसको भी 50,000 pounds दे देना। हाँ भी हाँ? इसे भी पहले किससे बात कर चुके हो? कौन ए! तुम लोग ये मैक्स वैक्स के चक्कर में तो नहीं हो ना? नहीं 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 मैक्स नहीं मैक्स नहीं मैक्स नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि आप 50,000 pounds ले लो प्लीज और हमारा काम कर लो। ओके बीच में रख इसको बीच में रख। वाला कोची ये पीछे फोटो में जल्लाद कौन है? ये जल्लाद नहीं ये मेरा बाप है और मैं इसका पाप हूँ। I'm sorry, पर हमारी डील डन। हाँ, चलो चलो चलो। One minute, तुम दोनों ने सोनी को मैक्स के बारे में क्यों नहीं बताया? मैक्स की बात और मैक्स का नाम सनी के सामने कभी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जब मैक्स सनी के सामने आएगा तो सनी मैक्स की जान ले लेगा और अगर सनी मैक्स के सामने आ गया ना तो मैक्स इसकी जान ले लेगा। कार्ली, तुम ब्रिगेंस, ये दोनों जानी दुश्मन कैसे हो गया? अरे एक्चुअली हम दोनों सनी और मैक्स एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये दोनों सीनियर से थे, तुम बच चलो के साथ। नहीं यार, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तब सनी और मैक्स फाइनल ईयर में थे। हाँ, और जब हम लोग दोनों फाइनल ईयर में थे तब भी सनी और मैक्स फाइनल ईयर में ही थे। हाँ, दे बोथ वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और एक दिन कॉलेज की फेयरवेल पार्टी पर you
तुम यहाँ पे चुप जाओ। अरे अंधेरे में मुझे डर लगता है, आ जाओ ना। अरे खुशी नहीं होगा, अरे मेरी बात। ओह सानी, फाइनली मैं तुम्हारे साथ अकेली हूँ, वो भी कवर्ड में। सोनिया, सोनिया तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तो हॉट है, मगर तुम हॉटर हो। सोनिया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सोनिया, सोनिया, सोनिया। What are you doing, Sunny? Max, 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 he was hitting on me, Max. ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, he was. ए, सोनिया, ये शांतपति से सीधा सिंपति हाँ? Shut up, okay? तुम इस जैसे इंसान को अपना दोस्त बोलते हो? He was all over me, Max. अभी यहाँ से अपना कैसेट बंद करके निकल, नहीं तो कान के नीचे बजाऊंगा। चल वनटच की गोली ले, निकल यहाँ से अभी। ये मेरा दोस्त है, इसको मेरे पे विश्वास है, समझी? How could you? Hey, Max, what's wrong with you, man? Max! 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 You're not worth it. तू मेरा दोस्त नहीं है। And she is worth it? तूने मेरे पे हाथ उठाया, वो भी इस कैरेक्टरलेस लड़की के लिए? मैक्स क्या कर रहा है यार? छोड़ दे मैक्स, छोड़ दे मैक्स। आज से दोस्ती खत्म, और वैसे भी तुझसे दोस्ती घर करना चाहता है। मम्मा मिया, मम्मा मिया, मम्मा मिया, मम्मा मिया। कसम थेम्स भैया की, जिस घर में हम सोनी को भेज रहे हैं उसके बगल वाले घर में मैक्स होने वाला है। अगर ये दोनों आपने सामने आ गए तो वर्ल्ड वॉर 4 हो जाएगा। ओह शिट, एक मिनट, तू वापस मैक्स के पास जा और मैं सनी के साथ रहूंगा। किसी भी हालत में हम दोनों सनी और मैक्स को आमने सामने नहीं आने दे सकते। यस यस। यू ग्रैबरिंग बबून, वाइब्रेटिंग वैगाबॉन्ड, पेपरोनी पकौड़ा। मम्मी मैंने क्या किया मिस्टर कपूर? क्या किया? यू, तुमने उस डब्बू को मालदार दामाद दिला दिया। यू हैव ब्लडी पाइल्स इन योर ब्रेन, पाइल्स। अब जो हुआ सो हुआ, उसे अमीर मिला तो मिला, लेकिन मुझे अपनी हिना के लिए कोई अमीर नहीं, रईस चाहिए, रईस। आप कविश मेरा कमान कपूर आका, ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। खाने का काम है, हलवा है, कोई ऊपर से आएगा? मम्मा मिया, कपूर साहब कितना रोमांटिक नजारा है। अरे अरे अरे, ये क्या, ये क्या? अरे अरे, निकलो बाहर। अरे तुम ठीक हो ना? अरे यूके आसमां से गिरे और खजुराओं में अटके। ए, तुम कौन हो? ये जेडी का एक लौता बेटा है। कौन जेडी, कौन बेटा? मेरे डैडी मुझे ले जा रहे थे किसी लड़की से मिलाने शादी के लिए, अपने प्राइवेट जेट में। और जब मुझे पता चला तो मैंने मेडर से छलांग मार दी, क्योंकि अगर वो जेडी है तो मैं जेडी का बेटा हूँ। वो जेडी का बेटा, अरे ये जेडी का बेटा है, अरे जेडी का बेटा क्यों है? थक रहे हो? सा सा मुंह अबे, सा सा जॉली सा, क्यों थूक रहे हो? थैंक गॉड यू आर सेफ सर। वो तो होना ही था, क्योंकि मेरी लैंडिंग बड़ी सॉफ्ट थी। यू नो एक्सक्यूज मी, हेलो, आप कौन है? ये मेरा बॉडीगार्ड कम ड्राइवर कम टॉयलेट क्लीनर। एक्सक्यूज मी सर, आपके फादर जेडी सर आपको ढूंढ रहे होंगे। पूरी आर्मी को आपकी शादी कराने के लिए हम भेज सकते हैं सर। आर्मी? इसलिए कुछ दिनों के लिए हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। हो सकता है इसके लिए हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी छुपने के लिए। कहाँ मिलेगी ऐसी जगह? हमें चाहिए एक बंगला, एक दीवार विद बार्ब्ड वायर, गार्डन, बगीचे। मैं तो कहता हूँ झाड़ियों में छुप जाते। नहीं नहीं नहीं, सर जी, सर जी, बार्ब्ड वायर, दीवार, गार्डन, बगीचा है ना, है ना? ये घर कहाँ है? घर सर, ये घर आपका घर है ना सर? ये घर, ये घर। कीबोर्ड ऑफ इट, जरा आइए, प्लीज आइए। हाँ वो तो ठीक है सर, लेकिन आप अपनी लॉ के ऑफिसर को मेरे घर में क्यों भेज रहे हो? तुम्हारी रिसर्च को स्टडी करने आ रहा है, इज अ मैन ऑफ हाई पोस्ट। सर्वे करेगा कैसे तुम फीफी का ख्याल रखती हो। यू माइट विन द LAW अवार्ड। He'll be there right now, reaching any time. Okay.
Okay, sir. I'll be nice to him. Bye. तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे। I'm telling you. Hey, हिना। पहचानो कौन है ये? हाँ हाँ पहचाना। मेरे लिए आए हैं। वो भी बहुत ऊपर से। जिस काम के लिए आप आए हो, उसके लिए हमें मेरे बेडरूम जाना पड़ेगा। Shall we? Excuse me. अरे तुम कहाँ चल पड़े बीच में यार? बॉडीगार्ड सर। तुम बॉडीगार्ड अपने काम को बड़े सीरियसली लेते हो हाँ? Good. लेकिन बॉडीगार्ड का काम होता है कि दूसरों की हड्डी पसली एक करना। Yes sir. लेकिन तुम तो खुद एक सिंगल हड्डी पसली हो। लगता है डाइटिंग तुमने शुरू की थी, बंद करना भूल गए। सर, पहले किसके तुम बॉडीगार्ड थे? प्रेसिडेंट का सर। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? नो, प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब, भांडुप। भांडुप? भांडुप? What is भांडुप? Just a minute, huh? Hey, ना? यार पता नहीं टॉमी को क्या हो गया। जब से मैंने उसे कपड़े पहनाए, उसे रैश हो गया है। अब मैं क्या करूं? Do me a favor, गर्मी लग रही होगी ना? Please कपड़े उतारो। Okay. कैसा लग रहा है? Cool. Very cool. अब सीधे बेड पे। Okay. अब कैसा लग रहा है? I think he's feeling better. अब मुझे भौंकने की आवाज सुना दो। Kinky. टॉमी बाग, बाग टॉमी। Very kinky. Wow. सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से। क्यों थक रही है? माइंड बॉगलिंग, मच्छरदानी में गई। तुम्हारी मुलाकात कितनी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी थी। यानी कि आप अपनी बेटी की तरह ऑफेंडेड फील नहीं कर रहे? ऑफेंडेड? ना ना कमाल है, नो। वो मुलाकात भी क्या मुलाकात जो यादगार ना हो। यानी कि अब आपके साथ सर का सुर लगाना ही पड़ेगा। मतलब सर सुर? फादर नो, ससुर फादर नो, सर नो, फादर नो, सर नो। पुत्र इस बात तो कुछ मीठा हो जाए। स्टे। ए भांडो। कुछ नहीं, वो चेक कर रहा कि अंदर जहर वहर तो नहीं। ओ क्लियर। मेरा LAW का ऑफिसर तो आया ही नहीं वहां, उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गया। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू। कपड़े उतारने का बहुत शौक है ना? अब तुझे सबक सिखाती हूँ बच्चू। हीना जी, आपने मुझे याद किया। एक्चुअली मिस्टेक मेरी थी, मैं फोन पे बात कर रही थी और आपको लगा। क्या लगा? I'm going through a lot of stress right now. मेरा माइंड फीफी पेट का हुआ है। ये फीफी कौन है? Oh, my cute little pet. Oh. उसकी विस्टम टूथ में दर्द है और आज तो डेंटिस्ट की स्ट्राइक है। अगर आप उसका दांत निकाल देंगे तो... सर, ऑल ओके सर। और ये फीफी कौन है? आप लोग जाइए, मैं अभी आती हूँ। तुझे क्या लगता है कि ये फीफी क्या होगा? कोई छोटा मोटा कुत्ता होगा। फीफे? फीफू? फीफे? 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 फीफू, फीफू? फीफी? फीफू? फीफी? फीफी? फुई फुई? फी? फुई? क्यों थक रहा है तू? पापा रंजीत, पापा रंजीत ने दिया था इमरजेंसी के लिए स्लीपिंग टैबलेट। इसे खा के सो जाएंगे हम लोग? हम लोग नहीं तो...
इससे मैंने बड़े बड़े तितलियों को सुलाया है। तो ये कौन सी खेत की मूली है? Come on, Vivi. Open your mouth, baby. Ah. बॉबी जी, चिल्लर का पता नहीं, लेकिन मुझमें चेंज आ गया है। आपने मेरी आंखें खोल दी है। आज से मैं वादा करता हूं कि एनिमल स्किन के किसी भी बनाई हुई चीज जैसे जैकेट, बेल्ट, शूज कभी नहीं पहनूंगा। मेरा बस चले तो मैं खुद की स्किन भी नहीं पहनूंगा। वैसे इसका नाम क्या है? नागराज। नागराज, सो स्वीट, व्हाट अ लवली नेम, नागराज। कुछ और कहना है या मैं जा सकती हूँ? अब जाइए ना, अब जाइए, बहुत बिजी हो गए। प्लीज, मैं नागराज से बात करता हूँ। नागराज आजा। यस। गाबरुना को चमाइला, तेरे को लगता है तू टफ है? टफ है? गिदी। तुम स्नेक्स बहुत बोरिंग होते हो, पूरे दिन करते रहते हो। हाँ, तू क्या समझता है मैं तेरे से डरता हूँ? हैं? कौन है दांत इसका? फीफी, ये भागो, ये खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। पता नहीं क्यों भाग गया। क्योंकि फीफी जाग गया। फीफी जाग गया। मला माफ कर, मला खाओ ना फीफी, मला खाओ ना को। दरवाजा खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। दे ताली। तू कहाँ ताली देगा? तेरे तो हाथ भी नहीं है। दे। निकल गया। यार जीनियस। अरे अब क्या हुआ? क्या हुआ? नीचे दे। हिंदी का तो पता नहीं, लेकिन तेरी सिद्धि बहुत अच्छी है। क्या बोला तू? अरे उस फ्रांसिस फोर्ड सपोला ने इतना जोरदार अटैक किया। ओ शिट। तू 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 वहाँ चला, मैं तुझे और दिखाता हूँ। उधर मैक्स, क्या कर रहा है? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैक्स बात सुन, चल मैक्स। ये यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन मुझे तेरी लाश देखने के लिए दुनिया की कोई दीवार नहीं रोक सकती। Shut up, you bloody slimy sort of pudia! तेरी मजाल क्या है? जो मेरे son-in-law पे हाथ उठाए, हाँ? Shut up, Chintu! How dare you talk to my son-in-law like this? No, you shut up, Dabu! Oi! Oi! खबरदार, ये तू मेरे हस्बैंड को कुछ किया थे? मैं तेरा खून भी जमा दी! Oi, चुप कर चुड़ैल! खस्मानु खाने पहन
incorrect. Hey, Botox ki budhiya! How dare you talk to my mother that way? Hey, sukri bombil, agar meri maa ke bare mein kuch bola na, to teri aankh phod dungi. Tum sab gutter chap log hamare muh mat lagao. Tu gutter chap, tera khandan gutter chap. Hey, shut up, whole khandan shut up. स्वीटो मजा आ गया जितनी नफरत मैं उस नाजायज डब्बू से करता हूँ उतनी ही नफरत मेरा दामाद उसके दामाद से करता है Cheers to him. Yes. ये क्या दामाद दामाद लगा रखा है डैड आपने मेरी मर्जी कभी पूछी क्या मैं शादी वादी के चक्कर में अभी नहीं पढ़ने वाली हूँ प्लीज लेकिन तुम्हें कल परसों अगले हफ्ते शादी तो करनी पड़ेगी ना नो डैड डोंट फोर्स मी इनटू दिस आप बैठिए अपनी जॉली के साथ मैं घर से जा रही हूँ इतना क्या गुस्सा कि तुम घर छोड़ के जा रही हो घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ डैड मैंने आपको बोला था ना क्रूज में लॉ का अवार्ड फंक्शन है यू नो हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज टू मी तुम्हें इवेंट पे जाना है तो जाओ बट ऑन वन कंडीशन क्या कंडीशन तुम्हें जॉली को साथ ले जाना होगा ये मेरी आवाज कहां से गूंजी कितना अच्छा नजारा है इतना बड़ा ओशन है देखो बेटा इफ यू डोंट माइंड मुझे एक प्यार वाली डुबकी जस्ट शट अप एंड स्टॉप इरिटेटिंग मी क्या बात है हैं आज इतना बड़ा दिन है तुम्हारे लिए तुम्हें पुरस्कार मिलने वाला है वो भी जानवरों की रक्षा के लिए क्या बात है आई डोंट थिंक सो बट व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस कैन यू जस्ट लीव मी अलोन मैं वैसे भी बहुत टेंशन में हूं किस बात की टेंशन है मुझे बताओ किस बात की टेंशन उस नागिन बॉबी की मुझे लगता है आज का अवार्ड वही जीत के जाएगी मुझे भी ये लगता है मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब अगर वो हीना अवार्ड के लिए प्रेजेंट ही नहीं तो झाड़ू का पता नहीं बट यू विल स्वीप द अवार्ड्स लेकिन ये कैसे हो सकता है जॉर्ज माइकल का पता नहीं बट हैव फेथ इन मी मेरे पास एक आइडिया है बिरला का तो पता नहीं मगर टाटा अब बॉबी जीतेगी अब मेरी हीना जीतेगी Sleeping with the enemy. Where the hell am I? What just happened? मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ लेकिन इसमें जरूर तेरा हाथ होगा मेरा हाथ Yes, तेरा हाथ होगा अरे इसका हाथ नहीं है इसका हाथ है मेरा हाथ नहीं इसका हाथ है अरे इसने मेरे मुंह पे डाला मैंने तेरे मुंह पे डाला अरे उनको सच्चा बोल साला तूने मेरे मुंह पे ऐसा क्लोरोफॉर्म नहीं डाला क्लोरोफॉर्म Out of here. Me too. दूर दूर तक छान मारा कुछ खाने को मिला नहीं लेकिन तुम फिकर मत करो मैं I don't care. मैं इस आइलैंड पे तुम्हारे वजह से फंसी हूँ और वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं है मुझे भूख लगी है जाके कुछ खाने के लिए लेके आओ तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए डैड ने भेजा है ना सो फाइन
then you take care of me. अब जब तक मैं इस आइलैंड पर हूँ, मेरा खाने का, पीने का सब का इंतजाम तुम करोगे। खड़े क्या हो, जाओ। Get out. Go get me some food. नारियल, दूसरों के माल पे हाथ डालने की तेरी आदत कहीं नहीं ना? तेरे को नारियल चाहिए ना, यहां पड़ा हुआ लेके दिखा। 10 साल बाद हिसाब बराबर करने का मौका मिला है और आज हमें रोकने वाला भी कोई नहीं है। देख क्या रहा है, बचा तो तुझे पहले भी था उस लड़की से जो 2 मिनट में किसी और की हो जाती थी, लेकिन तेरे को बोल के कुछ फायदा नहीं, तेरे भेजे में कुछ नहीं जाएगा। चल हाथ उठा, कम ऑन, कम ऑन, फाइट। अब तू क्या देख रहा है, हाथ उठा नहीं रहा हो, बढ़ा रहा हो यार। Resort? आगे आइलैंड, पीछे रिजॉर्ट। एक्सक्यूज मी, वेयर्स फूड? वेयर इज रूम? शट अप, शट अप। अच्छा, ये साले को ना चाहूँगा।
इतना खाना तो खा लिया, अब बिल क्या हमारा बाप भरेगा? अरे फिकर मत कर। सर आपका बिल उधर। थैंक यू मिस्टर जॉली। जॉली यहाँ? चेंज फैन Fantastic, that's my girl. All right, girls, take a break. Jello, towel मिल गया Jello. अपने आप को ढक लो. What the hell are you doing? अपने आप को ढक लो ना. Hey, क्या ढक लो? सोसा के फोटो शूट में और लड़कियां ढकी हुई. Jello, you do such bold photos. I'll make you rich and famous. इस सोसा पे कर लो भरोसा. Let's go. देखो Jello. चौली अपने पापा से तुम्हारे बारे में बात करने ही वाला है। हाँ। ये बात करेगा? हाँ। ये दो कदम आगे लेता है तो चार कदम पीछे चला जाता है। तुम एक कदम उठाओ चौली, मुझे अपने घर ले जाओ, फिर मैं जिंदगी भर बुरखा पहन के तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ? ये दोनों यहाँ पे? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अरे गब्बर और टुंडा ठाकुर जय और वीरू कैसे बन गए? जैसे ही हमारे अंदर के शोले बाहर आ गए हम दोस्त बन गए। That's fantastic, guys. लेकिन तुम्हारी वो राधा और बसंती कहाँ है? उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले पेट पूजा तो कर रहे हैं, भूख लगी है। ठीक है, लंच इज़ अभी। चलो चलो ये ले। कम ऑन। ए चल माइला माजा वॉलेट साले सोल्ड आउट। चलियो ए सुन रे अरे चल बोलो चल ये मेरा वॉलेट यार। क्योंकि एक अननोन फ्रेंड से बेटर एटलीस्ट एक नोन एनिमी है। अरे झुल्ले लाल छा गल्ला व्हाट एडवेंचर स्टोरी। फिर तो लड़कियों का भूख के मारे बुरा हाल हो गया होगा। हाँ यार, तो फिर उन लड़कियों को रिसोर्ट के बारे में बताते रहे जाकर। हाँ यार क्या बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल चलते चलना चलना लेके आते चलना। क्यों थक रहे हो इना? बॉबी इना बॉबी इना इना बॉबी तू ठीक है ना बॉबी? ये इना। हाँ इना 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 बॉबी इना तुम्हें पता ही ना 500 किलोमीटर में 500,000 मीटर होते हैं। 500 किलोमीटर तुम लोग 500 किलोमीटर चल के गए? निंजा का पता नहीं लेकिन हम लोग टर्टल बन के आए, 600 किलोमीटर रेंगते हुए आए। गए 500 और आए 600? 100 किलोमीटर गुम भी तो हो गए ना। हा? पूरी जंगल छान मार के हम लोग तुम्हारे लिए ये लाए। ये क्या कर रहा है? लेबल। आखिरी बार देखना चाहता था। हेलो। थैंक यू। खाओ 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 खाओ। तुम लोग नहीं खाओगे? नहीं, आप लोगों को खाता हुआ देखकर हम गरीबों का पेट भर गया। ये खाली पेट डकार थी, स्टमक गैस, हमारा सिस्टम खराब हो चुका है ना। और देखो हम दुश्मन दोस्त बन गए हैं। यहाँ पे रहने का साइड इफेक्ट तो हम दोनों पर भी हो गया। और पता है हम लोग तुम्हारे लिए क्या लाए? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? हाँ, इसका मतलब है जामुन और गुलाब। हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। हाँ हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने
दर्द में भी तो राहत हुई है, दर्द में भी तो राहत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। कोशिश करो। अंदर के जानवर को बाहर निकालो। ये देखो, वापस देखो। अरे मेरे से नहीं हो रहा है, तुम कैसे कर लेते हो? तुम्हारे अंदर के जानवर को निकलना चाहिए। एक काम करो, मैं तो एक काम करो, मुझे हाथ दो। Hey, what a jodi, भाई। Touchwood, what a jodi। Uncle, uncle, uncle नहीं, सासुर, future father-in-law। और इस future को present में बदलने के लिए एक बार तो तुम्हें अपने daddy से ये वाली बात तो करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, चिड़ी साहब से बात क्यों करेंगे? नहीं बात करेंगे। hey, भांडो, तुम्हें क्या हुआ भाई? तुम्हारे बाप से तो बात नहीं कर रहे? नहीं। पुत्र, जेडी साहब को फोन लगाओ। श्योर ससुर जी, श्योर। जेडी साहब, मैं अपने डैडी से बात करना चाहता हूँ। सिक्योरिटी, माय फोन। डैड, योर सन। डैडी? हाँ हाँ, आपका बेटा बोल रहा हूँ। जेडी? ओह डैडी, आई एम इन लव। यस डैड, योर सन इज इन लव। बीबीसी का पता नहीं, बट आई हैव न्यूज फॉर यू, आई एम इन लव। क्या आपको मेरी पसंद पसंद नहीं? ठीक है डैड, आज से मैं आपका घर छोड़ के इनके घर रहूंगा। आज से यही मेरा घर है, मैं यही रहूंगा। ये तो अपने बाप को छोड़ रहा है। लेकिन इसका बाप थोड़ी ना इसको छोड़ रहा है। तू मेरे पे छोड़ दे। डैड, मैं आपके घर को ठुकरा रहा हूँ। अरे पुत्र, बाप को ठुकराना ठीक है, लेकिन बाप की दौलत को ठुकराना ठीक नहीं है। क्या आप मुझे चाहते हो या मेरी दौलत को? दौलत को तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मंगनी कल करा देता हूँ। डैड, मैं कल मंगनी कर रहा हूँ। आपका बेटा कल मंगनी कर रहा है। बाय। डैड, कल मैं मंगनी कर रहा हूँ। एंड यू आर नॉट इनवाइटेड।
son in law. Father in law. Come on, Hina. मैकिया जी, ये क्या हो रहा है? उसने अपने बाप का घर छोड़ दिया और आपने अपनी बेटी की एंगेजमेंट पक्की कर दी? मेरे पास एक प्लान है। ए, इमरजेंसी क्या है? आधी रात को यहाँ पे क्यों बुलाया? मेरे बाप जेडी के बारे में बताने के लिए। 50,000 pounds और लेंगे तो बता तू अपने बाप के बारे में क्या बोलता है? I'm serious, guys. एक मिनट, आज झूठ मूठी सही, लेकिन तुमने जेडी से फोन पे बात की है। लाइफ में कुछ भी हो जाए, ये झूठ जेडी के सामने नहीं पहुंचना चाहिए बस। ए, तेरे को मैं कॉलेज से जानता हूँ, तेरे बाप से इतनी फटती क्यों है तेरी? ठीक है, फटती है मेरी, मैं फटू। ओके, मेरे बाप तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। फटू, ठीक है, छोड़ना यार। आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा। अरे क्या बताऊं इसमें? अरे बताना, अरे लेकिन चोली बता देना यार। तेरी प्रॉब्लम, चोली तेरी प्रॉब्लम क्या? सुन नहीं चाहते हो ना तो सुनो। आज मैं तुम लोगों को जो राज बताने वाला हूं वो किसी को नहीं पता है। आज से कई साल पहले महाराष्ट्र के गंगापुर इलाके में दहशत का राज था। वो दहशत था जमींदारों के लिए, मगर गांव वालों के लिए मसीहा, जिसके नाम से डर भी डरता था, वो नाम था चक्का टाकू। उनकी सिर्फ एक ही कमजोरी थी, उनके बचपन का दोस्त सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पटुक पटेल। जब 700 गांव की पुलिस भी जग्गा को पकड़ने में नाकामयाब हुई तो दोस्ती का वास्ता देकर बटुक ने जग्गा से आत्मसमर्पण करवाया। तुला जबान दिली होती और जबान के लिए जग्गा जान ले भी सकता है, जान दे भी सकता है। तूने सही किया जग्गा, तूने सही समझाया बटुक। बाप का काला साया बेटे को अंधेरे में ले ही जाता है, और हर औलाद चाहती है कि उसके बाप का हाथ आशीर्वाद के लिए उठे, गोलियां चलाने के लिए बंदूक नहीं। अब तू मेरी एक और बात मान ले। कौन सी? मैं चाहता हूं कि हमारी बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए जग्गा, मेरी बेटी और तेरा बेटा। तो ठीक है, मैं भी जबान देता हूं, मेरे बेटे के साथ तेरी बेटी की ही शादी होगी। और मैं भी सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जग्गा की सजा कम से कम की जाए, ताकि वो अपनी नई जिंदगी जल्द से जल्द शुरू करे। जय भद्रकाली, जय भद्रकाली, जय भद्रकाली। जग्गा, 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 जग्गा। जेडी यानी चक्का टाकू, 14 साल जेल की सजा काटने के बाद अपनी मेहनत से चक्का डाकू आज लंदन का जेडी सेठ बना है। मैंने तुम लोगों से एक और बात छुपाई थी। क्या? मेरा असली नाम चौली नहीं है। फिर? एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक डाकू ही अपने बेटे का रख सकता है। मेरा असली नाम है ज्वाला। ज्वाला? इसीलिए मैंने अपना नाम चौली रखा था। अब देखो, जेडी सेठ को जग्गा डाकू बनने का मौका मत दो, मेरे घर के आसपास भी मत फटको। ओके, अब सिर्फ एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मिशन इस्तांबुल? अरे नहीं यार। मिशन कश्मीर? अरे नहीं यार। मिशन इम्पॉसिबल? अरे नहीं यार। मिशन एंगेजमेंट?
मिशन एंगेज। जीते रहो। मंगनी मुबारक हो जॉली, बहुत बहुत मुबारक हो सन। टुडे इज अ वेरी जॉली डे फॉर मी। बधाई हो बच्चों, बधाई हो, बधाई हो। पादरी लो, मैं आपसे कुछ बात पूछ सकता हूँ? यस माय पुत्र। ये हम तीनों को इंसाफ का तराजू बना के आप कहाँ लेके जा रहे हैं? स्टुपेंडस सरप्राइज। आई लव सरप्राइजेस। पापा तो बैंड बजाए, पापा तो बैंड बजाए, पापा तो बैंड बजाए। चलो गाड़ी से उतरो, गाड़ी से उतरो, कमांड एवरीबॉडी, उतरो उतरो, जल्दी उतरो। पट्टी नहीं उतारने का, पट्टी नहीं उतारने का। हाँ, नहीं उतारेंगे, नहीं उतारेंगे। चलो खड़े रहो इधर, खड़े रहो इधर। हाँ, अब पट्टी उतारो। यस। क्यों, कैसा लगा? होश उड़ गए ना? सिट्टी बिट्टी गुम हो गई? जॉली, सगाई में ये तेरा तोहफा। जॉली बाबा ने सगाई कर ली? अरे बाबा रे माता देवा रे फिर ओह माय गॉड, ये मेरा घर है। ओह माय गॉड, ये मेरा घर है। मेरा है ना, मेरे बाप का, जग्गा डाकू का घर है। जग्गा डाकू। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? एक टाइम पे सरकार ने जिसके सर पे प्राइज रखा था, उसी के घर में सरप्राइज देने। अंकल माइंड ब्लोइंग है बाहर से, चलो चलते। ए भांडो, चुप। वो तेरे शॉक्ड है ना, शॉक्ड है ना तू? सर क्यों हिला रहा भांडो? ये तेरे बाप का घर है क्या? बाबा, बाबा रे बाबा। जय भद्रकाली। जॉली, एक बाप का गुस्सा सिर्फ एक बेटा ठंडा कर सकता है। तू तू जाके इमोशनली हैंडल कर, जा। मैं कह रहा हूँ, जा। कौन है तू? सर आप समझने की कोशिश कर। समझना क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसे लग रहा है जॉली ने सगाई की है। बाप और बेटे के बीच कोई नहीं आएगा। हाँ, कोई नहीं आएगा, लेकिन सरकार मुझे तो बीच में आना पड़ेगा ना जेडी साहब, क्योंकि मैं आपके बेटे का नया ड्राइवर हूं, लेकिन पुराना दोस्त भी हूं। अब आपके बेटे ने गलती की सो की, जाने दीजिए, आपकी औलाद है। और जेडी साहब, हर औलाद चाहती है कि उसका बाप अपने हाथ को उठाए तो आशीर्वाद देने के लिए उठाए, गोलियां चलाने के लिए बंदूक नहीं। और हर औलाद चाहती है कि उसके बाप का हाथ आशीर्वाद के लिए उठे, गोलियां चलाने के लिए बंदूक नहीं। लगता है आपने किसी को जुबान दी है, लेकिन बेटा ही नहीं रहेगा तो जुबान किस काम की? वाह, शो डाउन नहीं, वॉल्यूम डाउन करके बाप को बता रहा है। दिस इज आवर सन इन लॉ। मैं तो कहता हूँ जेडी साहब, दिल और घर में दो तीन दिन जगह दे दीजिए, समझा करिए बात को। तब तक ये रिश्ता मैं तोड़वा दूंगा, जुबान देता हूँ। और मुझे अपनी जुबान पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं भद्रकाली का भक्त हूँ। जय भद्रकाली। जय भद्रकाली। जय भद्रकाली।
बेटे ने जो किया वो गलत किया, लेकिन आज एक बाप जो कर रहा है क्या वो सही है? बताइए। बाप बड़ा होता है लेकिन उसका दिल उससे भी बड़ा होता है। आज अपने बेटे को आपने माफ कर दिया तो इसमें जेडी की हार होगी लेकिन एक बाप की जीत होगी। बाप की जीत। नहीं नहीं मत रोइए। बेटे की खुशी के आगे आज एक बाप झुक गया। बधाई हो, वैसे बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों आओ समदे जी से आशीर्वाद तो लो। कमाल का महल है। वैसे इसकी स्क्वायर फुटेज कितनी होगी अंदाजन? नो आंसर। कमल कौन कौन? चलो चलो चलो। जो अली बाबा ने पैर छुआ समझ में आता है? ड्राइवर ने कहा कुछ छुआ? मिठाई की दुकान में मिर्ची है, आज शपथ का तरी गोची है। एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, बदले में मिडिल सेक्स ट्रफलगर स्क्वार ले ले। सगाई जो अली बाबा ने किया, अनहनी मून ड्राइवर बना रहे। अरे बाप रे, इतना बड़ा गोची। अभी जाके मैं भाव को बोलता हूँ। मजा चली सर, how dare you? कैसा ड्राइवर है तुम्हारा? क्या? मेरा नौकरी एक्टर करता है? कौन? चलिए ना। ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? एक पंच पर होगी ना तो जिंदगी भर ऐसा करता रहेगा। चली सर, टुकड़ टुकड़ टुकड़। What is this? Tell him to get out. पत्रकाली, डिस्किया। ये पागल हो गया क्या? चली सर, चलिए। अभी इसी वक्त निकलो इस रूम से। मेरी बात सुनो। सब बाहर निकलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी। देखो अपने आप। Get out. अगली बार ऐसी हरकत की तो तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगी। बाबा तब मिकाय बोलो। भाऊ ये अंदर था। देखा सरकार, एक दिन भी नहीं हुआ और जॉली सर को अपने ही घर से निकलने की धमकी मिल गई। चिंगारी मैंने लगा दी है सरकार, बस मशाल का जलना बाकी। प्रॉमिस, विश्वास तो विश्वास करा। तुम्हें जैसा ठीक लगे वही करो। जी मालिक। पोर्गी फासली रे फासली। ये जब माइला क्या हलकट आदमी है रे, ऐसा गोची करती। ये अंकल, अरे ये अंकल। जे भी तुला बोल रहा है ना, आय को तुझे डोका फिरल वाट लाग रहा है तुझी। लगता है तेरे मुंह में कोई खाना है, वो खत्म करो फिर मुझसे बात कर। अरे कुछ नहीं, मैं क्या बोलता मालूम है क्या? तेरी बेटी के साथ में गलत आदमी चाट मार ले उधर। What? What नहीं? जाके देखो, यकीन नहीं होता तो अपने आँख से। अरे तुझे पोर्गी फसली रे फसली रे। You wait. Yes. अरे वेट क्या, लेट होएगा पेट होएगा। तू है खुश रंग ही ना। ओहो। हैं? ओ। अरे क्या ये? मेरी बेटी के साथ गलत नहीं, सही आदमी है इनसाइड। यू जगलिंग जाहिल। ये जाओ माइला कैसा बाप है रे? बेटी के लिए वरने ड्राइवर दोनों। बाप भी लुच्चा ने बेटी भी लुच्ची। आई शपथ कितनी गोची रे गोची। माइंड ब्लास्टिंग शॉक एब्जॉर्बर्स। क्या हुआ? यूके फोर्ब्स मैगजीन ने जेडी भाई साहब को मैन ऑफ द ईयर चुना है। उनके फर्म्स, कंपनीज, बॉन्ड्स और सारे प्रॉपर्टीज मिलाकर जेडी के पर्सनल एसेट्स 5 बिलियन पाउंड्स है। कैन यू बिलीव इट? मैं क्या जी? समझी जी। ओ जेडी साहब, गुड मॉर्निंग। जेडी साहब, हाउ यू दिस मॉर्निंग? मैं तो सुबह से आपके घर बैठा हूँ थर्ड अंपायर की तरह आपका एम्पायर देखने के लिए। यानी कि मैं आपका ऑफिस, कंपनी वगैरह वगैरह देखना चाहता हूँ, बट इफ यू डोंट माइंड। हां हां ठीक है, ऑफिस से जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आ सकते हैं। वाओ पटेल जी। भाऊ गाड़ी लगाने बोलो। बर हे ड्राइवर। ये जब माइल है ये दोनों साथ में क्यों आ रहे?
ड्राइवर जल्दी से गाड़ी निकालो। अरे बेटा जॉली तुम भी साथ चलोगे ना? पापा कॉफी। ओह बेटा मुझे कॉफी नहीं चाहिए, पिलानी है तो मेरे फ्यूचर सन-इन-लॉ को ऑफर करो ना। कॉफी एक अनादमी दो, अभी देखता हूँ ये कॉफी किसको देती है। आइए आइए कॉफी दीजिए कॉफी दीजिए। ये तो तेरे पास आ रही है, पकड़े जाएंगे हम लोग। जाली बाबा को कॉफी दीजिए। आइए आइए आइए। अरे कॉफी रे कॉफी रे कॉफी कॉफी रे। नहीं मित्र आया तुम की का ये देख लो कटूर बांधा है। Good shot, son-in-law. You're playing beautifully. गलती मेरी है। मैं समझता था टेनिस दो लोगों का खेल है। You're playing beautifully. Carry on, carry on, carry on. वाह! मेरा फोन आया है जॉली बेटा। तुम खेलते रहो। Carry on. Hello. काश तुम यहाँ होते डब्बू प्यारे। पता है मेरी बेटी किसके घर में है? जेडी के घर में। जेडी के? हाँ, जेडी। लेकिन मेरी आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया ना। अब कहेगा नहीं सुपर्ब। अरे तुझसे कहा था ना वेट एंड वॉच, आई विल गेट द रिचेस्ट सन-इन-लॉ। अब तुझे तेरी औकात समझ में आ गई? अगर जेडी का बेटा चिंटू का दामाद है तो ये कौन है? जॉली बेटा हा? आज के लिए बस, गेम सेट एंड मैच। आओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव। पापा तो बैंड बजाए, पापा तो बैंड बजाए, पापा तो बैंड बजाए। पाट लगी पाट लगी पाट लगी। मेलो वो देख, अरे मुझे छुपा मुझे छुपा। जॉली बेटा ये हम कहाँ आए हैं? स्लमडॉग का पता नहीं लेकिन ये किसी मिलियनेयर का घर लगता है। मिलियनेयर का समझे? तू तो तू कहाँ जा रहा है? मैं जग्गा बाबू को संभालने जा रहा हूँ, तू फिक्र मत कर, तू जा। किसका 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 किसका? अरे होगा किसी का। ये जेडी का घर है, ये जेडी का घर है। जेडी का घर, जेडी का घर यानी चकडाकू का घर, चकडाकू का बेटा चौली, चौली का घर यानी मेरा घर है। ये मेरा घर है, बहुत दिनों से घर नहीं आया ना, भूल गया हूँ। घर का कलर चेंज हो गया क्या? कलर नहीं जॉली चेंज हो गया है। नको नको नको। ये चिंटू के दामाद का नौकर है। हे यू इधर आओ। ये आगे पीछे क्या कर रहा है? इधर आओ। नको इधर आओ। ये तो हेलो सर। तू यहाँ क्या कर रहा है? सर वो आपके पड़ोसी चिंटू जी के सन-इन-लॉ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, भला हो। चालीस आपका जिन्होंने मुझे जेडी के यहाँ नौकरी पे रख लिया। चालीस आपकी जय। वाह सुपर्ब सुपर्ब। यस सर। यही असली जॉली है। असली जॉली? आपको मुझ पे शक था? नेवर नेवर। चलो चलते चलो चलो चलते। अच्छी बात। अरे यहाँ नहीं तो मुझे जेडी साहब से मिलना है। जेडी खुद आ गया तुमसे मिलने। सारी बात मैं समझ गया हूं, अब एक बाप का फर्ज मैं अदा करूंगा। सगाई तो तुमने कर ली लेकिन शादी मैं कराऊंगा, और जब तक शादी नहीं हो जाती आप सब यहां रहिएगा। आइए आओ बेटा। I'm very happy, जेडी साहब। I'm very very happy. Thank you very much, sir. Thank you, जय हो साहब, thank you. ये कैसे हुआ? यस सनी, तूने सब किया कैसे? हाँ,
जेडी साहब को मैनेजर के बोला कि जेडी साहब, बाहर जॉली बाबा का दोस्त और उसकी फियांसी आई हुई है, उसका बाप उन दोनों के शादी के खिलाफ है। और मैंने कहा अगर आप जॉली के दोस्त को कुछ दिनों के लिए अपने दिल और घर में जगह देंगे तो जॉली बाबा हमारे खुश होके उनके दिल के अंदर और फिर मेरी प्लानिंग के हिसाब से हीना इस घर के बाहर। लेकिन सनी, आई कैन नॉट बिलीव दिस, जग्गा डाकू सिर्फ तेरी बातों से पट गया। हाँ यार, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, बाएं हाथ। अरे छोड़, अरे छोड़ प्लीज सरकार, अरे छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा सरकार, अपने बेटे के दोस्त को अपना लीजिए सरकार। आपको भद्रकाली की कसम है सरकार। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। ठीक है। यार सनी, तू कहाँ खो गया? यार अब तो सब कुछ सेट है ना? अरे कुछ सेट नहीं हुआ है, अंदर डब्बू और चिड्डू जेडी के सिर्फ एक बेटे जॉली से रिश्ता जोड़ने आए। ओह शिट, इसका मतलब है कि अगर डब्बू और चिंटू आमने सामने आ गए तो शिट। ओह माय गॉड, क्या कर रहा है तू? मेरी आवाज की डबिंग क्यों कर रहा है तू? यहाँ क्या कर रहा है? मैं अपने समधी जेडी के घर में हूँ। तूने फिर मेरी डबिंग की? मैं अपने समधी जेडी के घर में हूँ। अबे ओ उग्रवादी ऑक्टोपस, अपने हाथ फैलाने यहाँ आ गया? मैं कहता हूँ तू यहाँ क्या कर रहा है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, शांति, पतन लो शांति। आप जानना चाहते ये पोंगा पंडित यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं आपको बताता हूँ, ये चिंटू इतने बड़े घर में कैसे आया? एक्चुअली वो जो बॉडी बिल्डर लड़का है ना, जो पोंगा पंडित के साथ है, आप जानते हैं वो कौन है? नहीं। वो मेरा भाई है। भाई? सगा नहीं, ये डैडी और किसी और की नाजायज निशानी है। नाजायज? नाजायज किसकी? उसकी, हमारी नौकरानी सिमी काकी की। कहीं का है? ऊपर नहीं, नीचे देखिए। ये उस नाजायज की माँ है? शी 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 शी। जेडी भाई साहब ने इतना बड़ा का इतना छोटा कांड कर दिया। ओए जॉली, तूने इतनी जॉली न्यूज़ दी है, मुझे गले लग जा पुत्र, पुत्र। सुपर्ब सिक्सर, मजा आ गया, मजा आ गया। जिसने जिंदगी भर मुझे नाजायज का ताना दिया, आज उसी पर नाजायज का छाप लग गया। सुपर्ब सुपर्ब। भाई हर डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, हर एक्टर चाहता है कि उसका बेटा एक्टर बने, यहाँ डेस्टिनी ने नाजायज को नाजायज दिला दिया। जायज को नाजायज मिला और नाजायज को बहुत बुरा हुआ। हाँ वाकई बहुत बहुत बुरा हुआ। किस्मत के सामने हम सब नगेट्स हैं। हाँ, हम तो रंगमंच के पपिट्स हैं। जब रिश्ता तय हो ही गया है तो हम बेचारे क्या कर सकते हैं? लेट्स गो विद द फ्लो। हाँ तो क्या हुआ कि सन इन लॉ में इतना बड़ा फ्लॉ है? लेट्स गो विद द फ्लो। मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, गेट अप। इसकी हमदर्दी मेरे साथ है? ये फिर मेरी डबिंग कर गया। ये देख, मैं तेरे को बोल रहा था ना, वो यही होगी। कम ऑन, लाइफ बना दूंगा। ए, हाथ छोड़, हाथ छोड़। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जो अपनी दो दो बीवियों के साथ खुश रहो। देखो जी लोग, ये अपना पर्सनल मैटर है और दो बीवियों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसे बता ना यार तू। ये बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तुम दोनों की बकवास नहीं सुननी। जस्ट लीव। चलो बात तो सुन लो प्लीज। जय, अब तुम लोग यहाँ से निकल लो वरना ऐसी पड़ेगी ना
कि चलने के लायक नहीं बचोगे। सारे छोड़ना, तेरी हालत ऐसी नहीं होती ना तो मैं तेरे को तो मैं इसको इसको पता मैं क्या करता, इसको ऐसे उठाता, ऐसे उठाता, ऐसे पकड़ता और ऐसे मारता, ऐसे मारता। साले तेरा नसीब अच्छा है कि तू खड़ा नहीं हो सकता, वरना तेरा मैं रवा डोसा बनाता, मसाला डोसा बनाता, सादा डोसा बनाता। जॉली हाथ रखकर चिड़िया मार ना। ए बच्चों, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। जा माइला तुला माइती नहीं मी कौन। तकलीफ माझी पहिले कोणी सांगितलं? अरे कब से बोल रहा था चलिए हाथ ना कर, मारना। हिंदी में नहीं बोल सकता था क्या? तेरी फटी तू मराठी में बोला ना। हाँ। मेरी फटी में सिंधी में बोला। सोसा जी व्हीलचेयर क्यों? Why walk when you can ride? मेरा नाम है सोसा। हाँ। और ऐसे मौकों के लिए मैंने इन बॉडीगार्ड्स को पाला पोसा। Come on baby, enjoy। अब ये कौन है? एक एक करके क्यों एंट्री मार रहे हैं? तू रिलैक्स कर, इन बच्चों को मैं संभालता हूं। सर पे हो वाहेगुरु जी का हाथ, वो बनाते हैं लंदन को धोबी घाट। चलो देखो, जय के बाप का बदला लेने के लिए हमने दो नकली जॉली को खड़ा किया। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं समझाता ना तुम्हें। वो दोनों लड़के मेरी बीवियां नहीं है, आई लव यू यार। हाँ चलो, आई लव यू। लेकिन मैं अभी तुमसे नाराज हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पे माफ करूंगी। अरे तुम्हारी जो भी शर्त है मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। अरे क्या मंजूर है, मंजूर है, शर्त तो पूछ। हाँ। अरे जिस प्रॉब्लम में हम लोग फंसे उससे बड़ी तो नहीं हो सकती ना। हाँ। मंजूर है, डन। तो ठीक है, ले चलो मुझे अपने घर।
क्या? What? What? है क्या जॉली? अब यही मेरी शर्त है, मैं अब और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ तुम्हारे घर। अब मैं 24/7 तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें मुझसे जो झूठ बुलवाना है बुलवा लो, बट आई एम कमिंग विद यू तुम्हारे घर। आपके ड्राइवर ने मंगनी कर ली। ये ट्रू स्टोरी है क्या न्यू स्टोरी है? हुँ? ये लव स्टोरी है, आपके आशीर्वाद की जरूरत। अब समझी जी के लिए यही रह गया ना कि ड्राइवर लोगों को आशीर्वाद देते रहे। क्यों क्यों, ड्राइवरों में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इनके पास दिल नहीं होता? भद्रकाली का भक्त हूं मैं, यही सीखा मैंने। मैं आशीर्वाद दूंगा। फिर तो आप थोड़े दिनों के लिए यहाँ रहने की इजाजत भी देंगे हमें, शादी ब्याह का माहौल है, अब मोड़ दो मैरियर। ठीक है। लेकिन होल्ड, मैं भी आशीर्वाद दूंगा लेकिन ट्रेडिशनल स्टाइल में। अभी हाँ जी, हाँ जी, आओ आशीर्वाद लो। खुश रहो जी। चलो भाई, चलो यहां से। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। समधी जी कहाँ है? गए जी, वो टहलने गए। चले गए? हाँ, कोई बात नहीं। आशीर्वाद लो। फूलो फलो मेरी तरह, अगले साल पुत्र भव, पुत्र भव। आओ आओ, तुम्हें मैं पुत्र भव का रूम दिखाऊं। आओ। What a hell, man! What is the happening in this house? I can't understand. No! अरे ये कैसे ससुर है? अपने होने वाले दामाद को आशीर्वाद देता है कि वो किसी और लड़की से बच्चा पैदा करे? अरे रे 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 रे, शाकारी के पेट में मच्छी, आज शपथ काय तरी है गोची। फाइंड आउट करता हूँ। राइट डाउन। That's to my one and only, the only one that makes me lonely. That's right, I need you right now. Got to have you right now. Give it to me now. Yeah. Do you want me? Do you need me? Wanna love me? Aja baby, mere naal right now. छेड़खानियों से हार्ट
को छुपावा Do you want me? Do you need me? Wanna love me? आजा बेबे मेरे नाल Right now, 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 now Right now, 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 now सोनी तेरे नाल मैं ते जिंदड़ी बितावांगा जो भी होवे हाल मैं ते जिंदड़ी बितावांगा तेरा जो इशारा मिले मैं ते मर जावा Do you want me? Do you need me? Wanna love me? आजा बेबे मेरे नाल Right now Good morning. Good morning, JD साहब. Terrific house. तेरी बातों में आकर इस घर को मैंने धर्मशाला बना दिया है. जी तो करता है तेरे कान के नीचे. कान के नीचे नहीं, कान के पीछे. वो बादल के कान के पीछे देखो साबुन लगा हुआ. वो साफ कर दीजिए प्लीज. हेलो मारो जग्गो नायो पाटले बेसी नायो पाटलो गयो खासी जग्गो पड़ियो हासी मजा बटुक चांगला स्नान करायला बसला पाट सड़कला बटुक हसला अरे जग्गा तेरी बचपन की टिक टिक और टुक टुक अभी तक भूला नहीं हो जय श्री कृष्णा अरे तेरी दोस्ती कहाँ भूलने देती है बटुक जय भद्रकाली फिर तू ये भी नहीं भूला होगा कि हमने एक दूसरे को जबान दी थी कि हम अपने बच्चों की शादी करवाएंगे अब हाँ वो क्या है कि आजकल आज नहीं कल तेरा एसपी दोस्त अपने जीप में बैठकर प्लेन में लंदन आ रहा हूँ मैं मेरी बेटी को भी लेके आ रहा हूँ फर्स्ट फ्लाइट से हाँ तो अपने बेटे को भेज दे मुझे पिकअप करने को मैंने आज तक उसको देखा नहीं है लेकिन मैं अपनी पुलिस के नजरों से उसको फट से पहचान लूंगा हाँ। फिर तेरे बेटे की टुक टुक और मेरी बेटी की टिक टिक जय श्री कृष्णा तेरे को तो पहले की तरह मुझ पर एक बार भरोसा करके देखिए ये जो टेम्पररी समधी है इनको मैं संभाल लूंगा परमानेंट समधी जो आ रहे हैं उनको आपका बेटा ही जाएगा संभालने ये तो कैसे करेगा जय भद्रकाली चल ले बारुल जरा फटाफट चल ले ओ बटुक पटेल तू जॉली हाँ नहीं ये जॉली सर है तू कौन मैं ये आपका ड्राइवर मारो ड्राइवर मैंने कुछ नहीं किया मुझे मत मारो मुझे क्यों मारो गुजराती में मेरे ड्राइवर को मारो ड्राइवर बोलते गाना और ये मेरी डॉटर पारुल तुम्हारा नाम तो जय है ना हाँ ना ये हाना क्या है हाना शॉर्ट फॉर्म है जेफर जॉली जेफर जॉली तू उसको पहले से जानती है हाँ वेरी गुड सोने पे सुहागा हो ड्राइवर जी सामान ले जी सॉरी आइए पहले से कंट्रोल में रखना होता है इसको अब समझी तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारी डैडी ने ये शादी कहीं और फिक्स कर दी और तुम उसी के साथ रहना चाहोगे Well, all this time you knew कि ये लड़की मैं ही हूँ. क्या सरप्राइज दिया जय? I mean, Jolly. वाकई में क्या सरप्राइज दिया? चलो. चलो चलो मुझे तुम्हारा घर देखना है. मुझे भी. पापा तो बैंड बजाएं. पापा तो बैंड बजाएं. पापा तो बैंड बजाएं. मुझे मिलके इतनी खुशी हो रही है मैं गले मिल गले. लेकिन JD. तो आज थोड़ा टेंशन में क्यों है? नहीं नहीं टेंशन कहाँ मतलब वही बाबे ये जो हम जी क्यों तू समझ रहा है कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में कभी बदलेगी छेने ए तू फिकर नहीं कर ऐसे समझो कि काम हो गया तेरा जॉली और मेरी पारुल एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं अब ये
जॉली के पास ये कौन खड़ा है? आ तो मेरा ड्राइवर से। ड्राइवर, कर गया? तुम दो दिनों के लिए मुझे और मेरे परिवार को कमरे के अंदर बंद रखोगे? अरे मैंने आपको बताया ना कि हमारे परिवार के गुरुजी ने कहा है कि दो दिन कमरे के अंदर बंद रहने से प्यार बढ़ता है। मैं ये रस्म नहीं फॉलो करूंगा। सांबार का पता नहीं, लेकिन आपको ये रस्म फॉलो ही करनी पड़ेगी फादर लॉ। अरे ये तो बाहर घूम रहा, तू बाहर क्या कर रहा है? जेडी, ओ जेडी, अब तो हम समधी हो गए। समधी? समधी तो हम है। समधी नहीं कह रहा वो कह रहा है संबंधी। ये बैकग्राउंड आर्टिस्ट कौन है? अब वो फैमिली फ्रेंड्स है, दूर के रिश्तेदार। हाँ, इसलिए तो इतने दूर खड़े है? चल तुझे तेरा कमरा दिखाता हूँ। जा, जा। उनको रूम देख लीजिए, मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। आइए आइए। यहाँ आग जल रही जेडी, लेकिन तेरे से क्या मिला, मेरे कलेजे को ठंडक लग गई। लेकिन तू इतना टेंशन में क्यों है? नहीं वो मैं जो जबान संभाल जेडी, तेरी जबान की बहुत कीमत है। तेरी जबान की वजह से तेरी जिंदगी बदल गई। तेरी जबान की वजह से तेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है। अरे तूने अपनी बेटी की क्या परवरिश की है जेडी, क्या परवरिश की है, मानी जो। क्योंकि आजकल लंदन में छोकरे लोग बहुत फास होते हैं, माँ बाप को पूछे बिना घर में दुल्हन लेके आता। बोलो अबे मारी बात समझो, 5 दिन में 15 अगस्त है, जॉली की शादी नक। ठीक है, 15 अगस्त को जॉली की शादी पक्की। यस। 15 तारीख को शादी फिक्स। यस। यस। चिंटू के लिए सनी जॉली, टब्बू के लिए मैक्स जॉली है, पटू के लिए जय जॉली है, और जेडी के लिए जॉली जॉली है। चिंटू के हिसाब से मंडप में उसकी बेटी हीना के साथ सनी बैठेगा, लेकिन जेडी के हिसाब से वहाँ जॉली बैठेगा। टब्बू के हिसाब से उसकी बेटी बॉबी के साथ मंडप में मैक्स बैठेगा, और बटू के हिसाब से उसकी बेटी पारुल के साथ जॉली बैठेगा, लेकिन जॉली शादी करना चाहता है जेलो के साथ। क्यों थका रहा है? क्यों थका रहा है तू? अरे थका तो तूने दिया है, ये सारी कंफ्यूजन तेरी वजह से हो रही है। ब्रैड का पता नहीं, लेकिन आज हम इस पिट में तेरी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से? पांड में छत्ता लड़ो चढ़िया, आपस में क्यों लड़ रहे हो? इतनी मुश्किल से तो दोस्त बने हो दोबारा। एक मिनट, अगर हम जेडी और बटुक के बीच में दुश्मनी लगा दें तो हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है यार, दे बोथ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। हां यार, हम लोग पहले क्या थे? फ्रेंड्स। हम लोग भी तो फ्रेंड्स ही थे ना, लड़की की वजह से हम लोग भी दुश्मन बन गए। अगर हम उन दोनों बरगद के पेड़ों के बीच में एक छोटी सी कली लाके रख देते हैं तो वो दोनों भी दुश्मन बन सकते हैं। अबे मेरे बाबा और बटुक के बीच में तू लड़की लाना चाहता है? तू पागल हो गया क्या? हां यार ये सही है, वैसे भी दोनों रंडवे हैं। अबे तुझे मालूम रंडवा किसको बोला? रंडवा साले तो कैसा लड़े? तू 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 क्या कहना चाहता है कि इन दो बुड्ढों के बीच में तू एक लड़की लाना चाहता है? लड़की नहीं, एक ऐसी बला जिसका वार जाए ना खाली, उसे कहते हैं अनारकली। बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है ऐसी जगह। थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना। अरे मैं तो सब कुछ भूल गई जाने जा तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। अरे तो फिर क्या हुआ? अरे छोड़ झाड़ गए अपने सलीम की गली।
अनारकली डिस्को चली अनार अनारकली डिस्को। ए, चुपचाप खड़े रहे। कल रात मेरे साथ ही थी, पूछ रही थी आपके बारे में। मिलना चाहती है आपसे सरकार। अगर ऐसी ऊट पटांग बात की ना तो खींच के एक दूंगा। मैं उससे मिलूंगा, कभी नहीं। तो वो आ जाएगी सरकार आपसे। ए, बकवास बंद कर, चुप। ऐसा वो कह रही थी, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, कह दूंगा मैं सरला से कि नहीं मिल सकते आप। ये सरला कौन है? अनारकली नाम तो पापी दुनिया के लिए, वैसे उसका नाम सरला है। लेकिन सरला तो जॉली की माँ का नाम था। नहीं, जॉली की माँ का नाम? हाँ, सरला। हाँ, अब तो आपको उससे मिलना पड़ेगा। प्लीज उससे मिलिए, आई इंसिस्ट। अनारकली मेरे बारे में पूछ रही थी। हाँ? शादी के लिए आया हूँ और कैसा लगेगा? आयु श्योर? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ हेतल को। हेतल? हेतल कौन से? अनारकली। अरे पापी दुनिया के लिए वो अनारकली है, पासपोर्ट पे उसका नाम हेतल है। क्यों, क्या हुआ? पारुल की स्वर्गवासी मम्मी का नाम भी हेतली था। हाँ? क्या? What a coincidence? तो बोटा भाई, एक बार तमने हेतल ने मड़वाच पढ़ से। हेतल, 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 हेतल। चेरी साहब, आप यहाँ? ओ I love fools. जी। आइए ना, बैठिए बैठिए, आइए। तुम मुझसे मिलना चाहती थी, क्यों? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन हाँ, मिलना तो जरूर चाहती थी आपसे एक बार। आप बहुत अच्छा नाचती हैं, मेरा मतलब गाती हैं। फिर की आप भी ना जेरी साहब। जेरी? थोड़ा सा लेके नाचे तो आप भी कमाल का। मैं कहाँ नाच सकता है, वो तो कल रात लड़के लोग ने घटाघट पिला नहीं ना, तो मेरे पैर भी ठिरकने लगे। हेतल, अरे सॉरी, अनारकली जी। आ पटुक, तुम्हारा मोड़े थी हेतल केटलू सरस लागे छे। एक बार सिर्फ मेरे लिए मेरा असली नाम लीजिए ना। सरला। तुमसे तोड़ना नहीं सरला शब्द, खूब मतलब चांगला वाटते। वाह, आप इतने अच्छे, खामा खा पता नहीं बड़े लोगों को छोटा करने में लगे रहते हैं लोग। कौन, किसकी बात कर रही हो तुम? नहीं नहीं, वैसे तो आपका दोस्त बटुक जान छिड़कता है आप पर, बस जब मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ मना कर दिया। कहने लगा कि अगर मैं आपसे मिलूं तो मेरा इमेज और रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ बहुत ही शर्मनाक पास्ट जुड़ा है ना। शर्मनाक पास्ट मेरा? वो बट्टू कह रहा था कि आप एक डाकू थे और आप ऐसे ही फिरकी मारे थे कि आप खूंखार डाकू थे। वो जेडी कह रहा था कि आप ऐसी फिरकी फैलाए थे कि आप रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर थे। वो कह रहा था कि आप एक नंबर के फट्टू डाकू थे, कि आप दो टके के मामूली हवलदार थे, डर के मारे एक चूहा तक नहीं मारा, अंधे भिखारियों के कटोरी से चिल्लर चुराते थे। जग्गा! बटुक! आज तू मेरे नजरों से गिर गया जेडी, मेरे नजरों से गिर गया। हाँ, कौन किसकी नजरों से गिरा है ये तू अच्छी तरह से जानता है बटुक। आज तूने एक बात साबित कर दी जेडी, कि नाम बदलने से इंसान नहीं बदलता। बदल तो तू गया है, घिन आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए।
एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए तूने सारे पुराने रिश्ते तोड़ दिए ने, इसलिए मैं आज तेरे बेटे का रिश्ता ठुकरा रहा हूँ। पापा। अरे तू क्या ठुकराएगा? मैं तेरी बेटी की शादी का रिश्ता ठुकराता हूँ। जाले। जाले, तू पारुल से नहीं अपनी पसंद हीना से शादी करेगा, खुश है कि नहीं? अरे रेवा दे रेवा दे, मैं मेरी पारुल का रिश्ता कोई बड़े इज्जतदार घर में करवाऊंगा। पारुल, मैं अभी इसी वक्त अपने रूम से सामान लेके आता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती जय, I can't live without you। अरे माँ भी तंजे वगैर नथी रे मेथड़ा। लेकिन ये समझा करो सरकार, बाप तो गया गुजरा है, बेटी भी गई गुजरी है, ड्राइवर के साथ इश्क लड़ा रही है। बटुक की बेटी का चक्कर ड्राइवर के साथ, बड़े घरों में रिश्ता कराने चला रहा। अरे इनका भला कर दो, आपका भी बदला पूरा हो जाएगा। सोचो करो, बदला लो सरकार। 15 अगस्त को सुन बे, तेरे बारे में बोल रहे, इन दोनों की भी शादी हो जाएगी। अरे थैंक यू अंकल। ये काहू का लगा रहे थे, चाल तो क्या चा, चाल ओह गुड डे ओल्ड फ्रूट। बदतमीज। मुबारक हो समती जी, 15 अगस्त जॉली की शादी की तैयारियां कीजिए। जॉली जी। जी आओ, चलना तो साथ। मैक्स, सबके पापा को पता चल गया, सिर्फ पापा रंजीत को नहीं पता चला। रंजीत जी, I'm confused. Tell me your problem. I love Derek, but I also love Andrew. अब मैं किससे शादी करूं? If you choose A, डेफिनेटली बी को मिस करोगी, और बी को चूज किया तो ए। आई थिंक यू शुड गो फॉर सी, बिकॉज लॉन्ग टाइम नो सी। मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझाता हूं। डाइन वाइन मारो मी लाइन। बाय द वे, I'm free after 9. Place is yours or mine? I'll sleep over it. Sleep over me. Excuse me. Squeeze me. Shut up. Papa. Hey. 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 Idhar. Hey. Idhar. Idhar. Sunny. Hi, Maxie. Hi. How are you, my boy? How are you? 20th century का पता नहीं, लेकिन आप असली फॉक्स हो। फॉक्स। Come on, man. अब सुनो, इस फॉक्स की जो तुमने अभी अभी घड़ी मारी है, उसे वापस पहना दो। पापा रंजीत के साथ मस्ती नहीं, पापा रंजीत के साथ मस्ती नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो बच्चे, अभी तुम कच्चे हो। लेकिन अंकल, सनी बिल्कुल आपकी तरह ही है। मैक्सी। हाँ। सिर्फ आए आए करने से कोई चेला गुरु नहीं हो जाता है? और सिर्फ भौंकने से कोई कुत्ता कमीना नहीं हो जाता। तुम जानते हो, इसने आज तक कभी किसी माल पर डाका नहीं डाला है। आई एम अशेम्ड ऑफ हिम। व्हाट? यस। सनी, क्या यह सच है? पापा, आप मेरे दोस्त के सामने मेरी इज्जत लूट रहे हो। ए, इज्जत तो मेरी लूट रही पापा, है। पापा, यू विल बी प्राउड ऑफ मी टुमारो। असली माल पे कल हम लोग डाका डाल रहे हैं। हाँ, लड़कियों से शादी करके सारा माल अंदर और वो बाहर। पापा, वो शादी का मंडप हमारा एटीएम काउंटर होगा, और मैरिज सर्टिफिकेट हमारा ब्लैंक चेक।
मैंने तुम लोगों को हेरा फेरी सिखाई, मक्कारी सिखाई, चोरी चकारी सिखाई, लेकिन कभी किसी का भरोसा तोड़ना नहीं सिखाया। तुम दोनों उन लड़कियों से शादी करोगे, फिर उन्हें छोड़ दोगे, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। बच्चों, कभी जिंदगी में किसी का भरोसा मत तोड़ना। बेटे, तेरे पापा रंजीत की जिंदगी में बहुत लड़कियां आई, लेकिन उसने शादी सिर्फ उसी से की जिससे वो प्यार करता था, और वो तेरी मां थी, समझे? थिंक अबाउट इट। सुना था प्यार अच्छे अच्छे लोगों को डुबा देता है। लगता है अपन जैसे बुरे लोग भी इसमें डूब गए सनी। मैक्स, द रेपिस्ट का तो पता नहीं, लेकिन मेरा बाप थेरेपिस्ट का काम करके जरूर चला गया। चलिए। ब्लडी चीटर्स, हमारी फीलिंग्स के साथ खेला। We never want to see your faces again. जय, तू पारुल से प्यार करता है, इससे शादी करना चाहता है ना? लेकिन बेटा, उसके लिए तू कपूर साहब को चोट पहुंचाएगा, मेरा बदला लेगा, यही सब कुछ मैंने तुझे सिखाया था बेटा। पापा जो कहते हैं हमेशा सही होता है। ये कौन है बेटा? पापा है मुंजो दोस्त सनी और मैक्स। नमस्ते अंकल। नमस्ते। खुश रहो बेटा। आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक है बेटा। हमने तो सोचा कि कोमा के बाद आपका बिल्कुल फुल स्टॉप हो जाएगा। हाँ? फुल स्टॉप? इन पे दया दृष्टि मत कर, बस बस हो गया। जय, ये पैसे अपने पास रख, अब हम तेरा काम नहीं कर सकते। क्या? लेकिन अच्छा अंकल जी, चलते अंकल जी। हैव यू फिल्ड एन ऑर्गन डोनर कार्ड? अबे चलना, तू उनके सारे पुर्जे निकालेगा। हम दोनों ने काफी सोचा, तुम लोगों ने जो किया गलत किया, लेकिन चाहते तो हमारे साथ और भी कितना गलत कर सकते थे। और जो भी कुछ किया उससे एटलीस्ट हम दोनों बहनें एक हो गए, और शायद कल हमारे डैडी जो एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हैं वो भी एक हो जाए। बस यही उम्मीद लेकर हम दोनों आज तुमसे कुछ कहने आए हैं सनी। मुझसे शादी करोगे? मैंने तुम्हारे नाम की दलेर का तो पता नहीं, मेहंदी लगा ली है। हमारी शादी होगी ना? अबे तू पागल हो गया क्या? कैसे हो गई हमारी शादी, भूल गया क्या? अरे सही तो बोल रहा है यार, इतने सारे मंडप, इतने सारे जौली और इतने सारे बाप। क्यों थक रहा है? क्यों थक रहा है? इतने सारे बापों में मेरा बाप है, बापों का बाप, जग्गा डाकू। और कल हम सबकी शादी है। वेलकम वेलकम। ओए फिरंगी फाफड़ा, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। नमस्कार। नमस्ते, कंग्रेचुलेशंस। वेलकम वेलकम। ड्यूक साहब, मैंने आपका लेमिनेट बहुत पिया, टप्स। ओ शॉकिंग साबूदाना, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स। आइए आइए। इट्स अ मेरिटोरियस प्लेजर टू अटेंड द यूकेस मैन ऑफ द ईयर सन्स वेडिंग। इट्स एन ऑनर जेडी। सॉरी सर, आई एम समधी, समधी सर, सर सर, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। तू तो थोड़ा देगा मैं 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 मैं। अब आगे देखो, इससे भी बड़ी हस्तियां आएंगी। मम्मा मिया, पापा पिया, शादी के बाद क्लाइमैक्स होता है, या तो शादी के साथ साथ क्लाइमैक्स हो रहा है। आ गया बड़ी। बूम बूम, पेको पेको। जेडी सर, आप बड़े खुश नसीब हो कि आपको मेरे दर्शन हुए। मम्मा, I'm joking। एक कपूर एंड कंपनी, मेरा कमीशन किधर है? मेरा कमीशन तो दो। वो क्या था ये नमी मजा को हुआ, मजा अंगा लहरे तलावा। Excuse you, London के ठंबे, जाके मिले ठंडा लेके। ये जामुन का झाड़ है,
तेरे को इधर किसने छोड़ा रे? वाला कौन जी, तुम आखिरी पास्ता को नहीं पहचानी? नहीं नहीं, मैं लंदन का नंबर वन मैरिज ब्यूरो चलाती, और तुम जैसे चिल्लर पार्टी के लिए तो मैंने मोबाइल शादी का ब्यूरो खोला है। एंगेजमेंट के लिए एक दबाओ, शादी के लिए दो दबाओ, और दोबारा शादी करने के लिए अपने पहला बीवी का गला दबाओ। आई एम जो। अच्छा जो के वो मिल जरा। तेरा बाप ने तेरी माँ का टेम बुक देख के पूछा होगा, ये मेरा बच्चा है ना? और तेरी माँ बोली होगी या या, और अपने ड्राइवर को देख के बोली होगी आई एम जोकिंग मम्मा मिया। जा मेरे लिए ठंडा लेके आ। अरे समझी जी, मेहमान तो तकरीबन सब आ गए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा, शादी करवाते हैं। कन्याओं को बुलाइए। अब वर को बुलाइए। जाले अरे ये क्या गोती है, थोड़ा चेहरा तो दिखाओ, है क्या? के हिसाब से मेरी शादी हेना के साथ और तेरी चेलों के साथ हो रही है, अब क्या करें? क्यों थक रहा है, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। ये जा माइला, ये क्या गोचे रे? संदीप जी, पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। बाजे दीवा हो, पहले दोस्ती को तोड़ता है, फिर रिश्ता को तोड़ता है, फिर मेरी बेटी को भगा के अपने बेटे के साथ शादी करवाता है। डाका डालने की आदत तेरी नहीं गई हो। तुम लोग को पता है ये आदमी तुम लोग के सामने जेडी बन के घूम रहा है, वो असलियत में कौन था? यू नो हु इज? हिंदुस्तान की गंगापुर का डाकू है ये, डाकू खूनी लुटेरा। जेडी, अ डाकू, अ बैंडिट, जग्गा डाकू। बटुक जो, किसने कहा है तुझे कि तेरी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो रही है? अरे देखना क्या और सुनना क्या, ये देखो जेडी का बेटा, ये मेरा बेटा नहीं है, ये ड्राइवर है। हाँ, जेडी का तो एक ही जायज बेटा है और वो सबके सामने है, अब तो सिर्फ पर्दा उठाना बाकी है। ये भी मेरा बेटा नहीं है, है? अरे ये कहां समधी जी का असली बेटा है, असली बेटा तो उधर है, बस पर्दा उठाना बाकी है। भटियारा बिंगो, ये रहा समधी जी का बेटा। ये भी मेरा बेटा नहीं है। नहीं है तो फिर कौन है जेडी का बेटा? मैं हूं जेडी का असली बेटा चौली। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम आपको समझाते हैं। पापा, अगर आज ये आपके दामाद कहलाने के लायक नहीं है तो क्या आप एक बाप कहलाने के लायक हो?
आप तो चल पड़े थे अपनी बेटी की जेडी के बेटे से शादी करवाने, लेकिन इससे पहले क्या एक बार आपने अपनी बेटी की मर्जी पूछी? खिलौनों की तरह अपनी बेटियों का बस इस्तेमाल करते आए हो आप। चाबी लगा दिया और छोड़ दिया, जाओ प्यार करो। और अब जब प्यार हुआ तो बोल दिया चलो। मुझे तो आपको पापा कहने में भी शर्म आती है। बाबे! हाथ उठाना है तो मुझ पर उठा। जिंदगी भर जिसे भाई बुलाना था उसे नाजायज बुलाता रहा, जिसकी इज्जत करनी थी हमेशा बेइज्जती करता रहा, जायज नाजायज का बचपना नहीं करता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। डबू जी, तेरा चिंटू इन रिश्तों के मामले में बहुत छोटा निकला यार, बहुत छोटा निकला। मुझे माफ कर दे प्लीज। नहीं चिंटू, अपने आप को इतना बुरा मत बोल। ये मत भूल, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, बड़ा। तुझको भी छोटा दिखाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझको माफ कर दे मेरे भाई, माफ कर दे। What a happy ending! Let me take a family picture! Everybody say cheese! Cheese! Jagga Daku! Jagga Daku! Jagga Daku! Jagga Daku! Arre Jagga Re! Jagga Jagga Re! Jagga Re! Abhi ab tum sab ki lagegi! What? 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 Tum logon ne Jagga Daku ko फिर से जागने पर मजबूर कर दिया, और इस बंदूक की बारूद से सबसे पहली चीता चलेगी। तेरी पकड़ डाकू, छक्का डाकू, सबका डाकू, जगह डाकू, हाँ जगह डाकू। क्यों थक रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। जय भद्रकाली। लगता ये पागल हो गया। भागो! अरे बारा, जग्गा को जगाया। 700 गांव की पुलिस डरती थी इस जग्गा से। तुम लोग क्या बेचते हो? अरे चढ़िया, तुम जो मुर्दो गड़िया, केड़े वाले बाबा, असान जो मानो है बाउ, असान जो कस्टमर है, दे ना। कहरे ज्वाली बाबा, नहीं मटले कहे, इधर ज्वाली उधर ज्वाली, बोल कितने ज्वाली, हाँ बाप का गोली। नहीं, मैं संतुर ताई भाओ। मैक्स, रिलैक्स, तुम्हें चारों ओर से डाकुओं ने घेर लिया है, भला इसमें है कि जग्गा के हवाले हो जाओ। जॉन का तो पता नहीं, अब रहम जग्गा नहीं करेगा। भाओ, 3-2-1-0-5। एसिडिटी हो गया क्या? पोर का फसला रे फसला। भाओ, देखे क्या माइला, हई कुटे गया रे। Bye.
मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं भाई। आई विल गो एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, सफेद रुमाल दो। समदी जी, मैं जानता हूँ कि आप मेरे पे गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि आप तो मेरी बहुत कदर करते हैं। सारा पुटा, अगर गोली मुझे लग जाती तो मैं मर जाता ना, सारा कुत्ता। जगा अंकल, तुम्हारे दोस्त प्रिंस चार्ल्स का बात सुनो। Stop, JD, stop. You're not in Gangapur. You're a taxpaying member of the British Empire. In the name of Queen and Country, put down your weapon. Camilla! सनी के बच्चे, बारा! कहाँ भाग रहा है तू? सनी, are you okay? सनी, क्या समझता है तू अपने आप को? पहले जेडी को सुलाया और जग्गा को जगा दिया, अब जग्गा को सुला के फिर से जेडी को जगा दिया। चले बेल। पापा, तुम्हें ठीक है? सुपर्ब, मजा आ गया। समदी जी, जब हैप्पी एंडिंग हो ही रहा है तो मेरे सन-इन-लॉ को अडॉप्ट कर लीजिए ना, सिर्फ आधी जायदाद उसे दे देना, ओनली हाफ। बड़े भैया, अब आप मेरी डबिंग कर रहे हैं। समदी डार्लिंग, ये अपना ही बच्चा है, इसे अडॉप्ट करके वो जायदाद। शट अप! आज इन तीनों नकली जॉलियों की शादी होगी, लेकिन तुम्हारी शादी इस जॉली से नहीं होगी। क्यों? इसकी शादी होगी ज्वाला से। ज्वाला? ये सुपर सुपर कबड्डी। आप भी ना जेडी सर। और क्या बोला? बस टेक इट टू दैट लेवल। नाक सब दिख रहा है। गुलाब जामुन। कैसी होगी शादी? Shut up, Bobby. You shut up. पापा, ये देखो मैं आपको किससे मिलाने लाया हूँ। ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी
ब्यूटी। पापा, ये आपकी बहू है। बेटी बेटी बेटी। पापा जी साइड से मिलो। और ड्राइवर ले ले मूंगफली का। एंड एक्शन। मम्मा मिया। मैं भी तुमसे नाराज हूँ। क्यों? विस्की का तिलक लगा, उसको भी लगा, आपको लगा। ये शादी नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इंडियन तेरा भी आ रहा है। हिट हो चुकी है तेरी यार, रिजल्ट आ चुका है। ये रोल ओवर से तेरी पिक्चर नहीं बनेगी। पहले रोल ओवर को देखते हैं। रोल ओवर फर्स्ट वर्ल्ड सब रोल ओवर सब बाहर आउट है। सब पर्दे वर्दे खुल गए, सब आउट हो गए। नया जमाना। अरे चल चल चल, पर्दे आउट हो गए। मल्टीप्लेक्स का जमाना। अरे चल रे, पड़ रहा पड़ रहा। ये और बाटली वाटली चलो चलो चलो, सब चालू हो गया। बाटली कहां आ गई? बोल रहे बाटली।